हाय दिस इज आकाश सी आकाश बंसल आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा बैच अर्जुन है फास्ट्रेक बैच है जो सबसे पहली बात ये जो बैच जनवरी ट्वेंटी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका फिनांस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है और प्रीवियस ईयर क्या है बच्चा तेईस चौबीस और असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस तो जो भी स्टूडेंट्स इसके बाद वाले अटैम्प्ट में अपियर करने वाले हैं यानी कि प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस या असेसमेंट ईयर इच्चीस छब्बीस में वो इन लेक्चर्स को रेफर मत कीजिएगा आई स्ट्रिक्टली एडवाइस डू नॉट रेफर दीज लेक्चर्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर योर मे अटेम्प्ट और देयर आफ्टर ठीक है ये जो लेक्चर्स हैं ये केवल फिनांस एक्ट ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग अपडेटेड हैं उसके बाद के अकॉर्डिंग नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो नॉर्मली टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आप कोई भी बैच ले लो उसके बाद अमेंडमेंट कवर कर लेना ये ऐसा नहीं है जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्यों क्योंकि मे ट्वेंटी पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो जाए ठीक है पूरा का पूरा टैक्सेशन का तरीका ही चेंज हो जाए इतने बड़े अमेंडमेंट्स हैं मे ट्वेंटी अटेम्प्ट के लिए तो प्लीज इस बैच को मे ट्वेंटी फाइव यानी फिनांस एक्ट ट्वेंटी फोर के लिए रेफर नहीं कीजिएगा डन है एक बार डी लिख के बता दो चैट बॉक्स में यह समझ आया पॉइंट इंटरेक्टिव रखते हैं ये डी लिख के बता दो एक बार डन है ठीक है कोई भी अगर मई का स्टूडेंट है जो इस बैच में है वो चले जाए गो ठीक है कल मिलेंगे कल सुबह मिलेंगे ठीक है चले जाओ डन है ओके दूसरी चीज दूसरी चीज हमें ये बतानी थी कि ये जो बैच है ये फास्ट ट्रैक है विद हंड्रेड परसेंट कवरेज हंड्रेड परसेंट कवरेज सर हंड्रेड परसेंट का मतलब सो so प्रतिशत एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं होगा तो यानी कि कवरेज हंड्रेड है लेकिन फास्ट ट्रैक है लेकिन सर फास्ट चेक का मतलब क्या होता है फास्ट चेक का मतलब होता है फटाफट चलेगा यानी कि कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है वो आपको बताया जाएगा बट बत, बट 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 छोट में यानी कि जितना जरूरी है जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही ऐसे नहीं कि फालतू की कहानियां सुनाई जाएंगी है ना या फिर एक ही चीज को एक सेकेंड ओके ना सब ठीक है ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज को बार बार बताया जाएगा Okay, you zoom work place when you are this okay. Fine. Haan, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज को बार बार बताया जाएगा यानी कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो लेक्चर है ये आपके फास्ट ट्रैक रहने वाले हैं यानी आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का इन केस अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज अगर कोई ऐसा बच्चा है कि सर मैं तो डायरेक्ट टैक्सेशन पहली बार पढ़ रहा हूं तो ये बैच आप लोगों के लिए नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो कि पहली बार पढ़ रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चा उस केस में आपको जो रेगुलर बैच मेरा अवेलेबल है रिकॉर्डिंग में वो रेगुलर बैच एनरोल करना है जो आपको रेगुलर बैच अवेलेबल है वो आपको एनरोल करना है क्योंकि ये बैच कंप्लीटली फास्ट ट्रैक होने वाला है रेगुलर नहीं है तो जो पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहा है उसके लिए नहीं है लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स का थोड़ा भी ज्ञान है पता है आपको इनकम टैक्स एक बार पढ़ चुके हो तो ये बैच आपके लिए परफेक्टली एप्लीकेबल आप बिल्कुल कर सकते हो चलो कोई ऐसा स्टूडेंट है यहां पे मुझे एक बार लिख के बता दो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार कर रहे हैं जिसको इनकम टैक्स कभी नहीं किया प्रियांश ठीक है सैलरी पहली बार पढ़ रहे हो ठीक है चलेगा एक दो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो दैट्स फाइन बट इनकम टैक्स का पता होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए पूर्वा पूर्वा आपके लिए बैच नहीं है बच्चा ठीक है पूर्वा आपके लिए बैच नहीं है ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं पहले बता देता हूँ ठीक है फिर मत बोलना कि सर क्या पढ़ा रहे हो ऊपर से जा रहा है मेरे तो ठीक है ऊपर से जाएगा ही अगर इनकम टैक्स आपको नहीं पता है पहले से तो ऊपर से जाएगा ही ठीक है जो सेकंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन परफेक्टली फाइन ठीक है fine. Fine. कुछ चैप्टर फर्स्ट टाइम है परफेक्टली फाइन नो वरीज ठीक है परफेक्ट 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 आगे चलते हैं आगे क्या है फास्ट ट्रैक होने वाला है हंड्रेड कवरेज होगी थर्ड आईसीए क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे आईसीए के क्वेश्चन आंसर्स हम क्लास में कवर करने वाले हैं सर यही तो सुनना था हमें यही तो चीज थी जो हमें सुनना था कि आईसीए के क्वेश्चन आंसर्स आप क्लास में कवर कराओगे क्या आंसर इज यस इन मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लास में सॉल्व करेंगे डोंट वरी लेकिन 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 प्लस आपको होमवर्क भी मिलेगा जो कि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दी है ठीक है जो मेरा क्वेश्चन बैंक है जो मेरा क्वेश्चन कंपाइलर है वो आपको होमवर्क में मिलेगा यानी कि सर आपको भी मेहनत करनी है जो क्वेश्चन कंपाइलर है वो आपको किसमें मिलेगा बच्चा होमवर्क में मिलेगा अच्छा यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो ये बोलता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कराओ कोई ऐसा स्टूडेंट है एक भी कोई बच्चा ऐसा है जो ये बोलता है कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कराओ कि सर हम तो सुनने आए हैं हमें पहले कॉन्सेप्ट बताओ उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ कोई ऐसा है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो भैया निकल जाना यहां से नहीं सीए कोर्स से क्लास से नहीं सीए कोर्स से निकल जाना अगर कोई बच्चा यहां पे ऐसा सोचता है जो सोचते ही होंगे मैं ये बोलता हूं कि सोचते ही होंगे अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर हम आपको तीन घंटे दे रहे हैं मैं हाँ बिल्कुल दे रहे हो सर तीन घंटे में आपकी ड्यूटी है क्या ड्यूटी है कौनसेप्ट बता दो बिल्कुल बताएंगे क्लैरिटी करवा दो बिल्कुल करवाएंगे याद करवा दो बिल्कुल करवाएंगे क्वेश्चन आंसर आप ही सोल्व करवा दो सर क्वेश्चन पढ़ो सोल्यूशन कराओ हम बोलेंगे सही सही है सही है सर सही अगर कोई ऐसा है तो सीए को बाहर चले जाओ बात समझ रहे हो ना मेरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर आपकी मेहनत अगर मैं करने लग गया तो आप तो फेल ही होंगे सर आप पास नहीं हो सकते अगर आपकी मेहनत मैं करूंगा तो आप बच्चे पास नहीं हो सकते एंड दैट्स ट्रूथ वो सच्चाई है माय पॉइंट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा मैं आपको गाइड भी करूंगा आपके डाउट्स भी सोल्व करूंगा लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि सर आपने होमवर्क में दस क्वेश्चन दिए थे एटलीस्ट पांच क्वेश्चन आप कराओ पांच मैं करूंगा तो प्लीज आपके लिए सी ए कोर्स नहीं बना है एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द डायरेक्ट एक्सेशन एग्जामिनेशन बल्कि सभी के लिए ये चीज अवेलेबल सभी के लिए एप्लीकेबल है जी कोई भी सब्जेक्ट हो ठीक है डन है आगे चलते हैं और क्या है और क्या बच्चा एक सेकेंड रुकिएगा हैंग हो रहा है फोर्थ hmm. पॉइंट एक सेकंड दीजिएगा हम hmm. हमने फास्ट ट्रैक बैच की बात कर ली लाइव होगा डेली छह छह दिन हम कनेक्ट करेंगे वीक में छुट्टी मैं मेरे अकॉर्डिंग दूंगा जब मुझे काम होगा तब आपकी छुट्टी ठीक है आप तो ये मान के चलो डेली क्लास है डेली आपको होमवर्क मिलेगा ठीक है डेली आपको प्रेजेंट रहना है सोशल मीडिया से दूर रहना है मोबाइल वगैरह से दूर रहना है ठीक है एंड बीच में ब्रेक भी दूंगा डोंट वरी पांच दस मिनट का बीच में ब्रेक भी लेंगे दैट्स फाइन ठीक है ओके okay. हम्म hmm. डाउट्स सर अगर डाउट्स आते हैं तो क्या करें व्हाट्सएप क्या करोगे Watchap करोगे सर किस नंबर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा उसी पे आपकी स्क्रीन के नंबर नंबर ऊपर एक आ रहा होगा उस पे मुझे क्या करोगे व्हाट्सएप करोगे सर कैसे व्हाट्सएप करेंगे डाउट पूछने के दो तरीके होते हैं एक बार अपने डाउट्स एक बार रख लेना है ना जो भी बच्चे अभी मुझसे डाउट पूछ रहे हैं एक बार प्लीज अपने डाउट्स को अपने पास रखना ठीक है सर डाउट्स कैसे पूछें डाउट्स पूछने के दो तरीके हैं सिंपल पहला आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और बोला प्लीज सोल्व क्या बोला स्क्रीनशॉट भेजा और नीचे बोला प्लीज सोल्व मैं बोलूंगा प्लीज गो ठीक है मैं रिप्लाई करूंगा लेकिन रिप्लाई आपको अच्छा नहीं लगेगा अरे गेटिंग माई पॉइंट दूसरा डाउट पूछने का तरीका कि सर ये स्क्रीनशॉट है ये क्वेश्चन है वॉइस नोट कि सर इन दिस क्वेश्चन मिस्टर राम ने ये किया मिस्टर राम ने इतना डिविडेंड दिया इसके बाद में इतनी तारीख को शेयर परचेज किए इतनी तारीख को शेयर सेल किए ये हुआ ये हुआ सर ये मेरा सोल्यूशन है जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है मुझे कि मैंने इसको इससे माइनस किया ये किया इंडेक्स किया फलाना फलाना बट सर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा प्लीज गाइड कर दो अगर आप ऐसे डाउट पूछोगे तो मैं एंटरटेन करूंगा विद इन मिनट्स मतलब मिनट के अंदर अंदर अगर बारह बजे डाउट आया तो बारह बज के एक मिनट पे आपको आंसर मिल जाएगा लेकिन अगर किसी ने ये पूछा कि सर प्लीज सॉल्व तो मैं नहीं करूंगा ठीक है तो प्लीज डाउट पूछने का पैटर्न अपना अच्छा रखना ठीक है ऐसे नहीं करना प्लीज सॉल्व अगर प्लीज सॉल्व वाले, वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो जो भी आप ग्रुप में एडेड हैं इनकम टैक्स जीएसटी वट देयर यू कैन अपलोड द पिक्चर एंड कैन राइट प्लीज सॉल्व तो कोई भी बच्चा जो मेहनत करेगा वो आपके लिए सोल्व करके दे देगा बट वो मेहनत आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे दैट्स फाइन ठीक है इसके अलावा हाँ अब बात करते हैं बैच की कोस्ट वगैरह की ठीक है आपको पता है लाइव बैच जो है वो फ्री है दैट इज कंप्लीटली फ्री कंप्लीटली फ्री कंप्लीटली फ्री एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको बोलूं कि भैया प्लीज पैसे पे कर दो नहीं लाइव बैच इज कंप्लीटली फ्री लेकिन इस फ्री बैच में क्या क्या चीजें नहीं है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक तो बुक नहीं है ठीक है जो अभी मैं बुक रेफर करने वाला हूं डेफिनेटली नहीं है फ्री है इसलिए एमसीक्यू जो भी मैं टेस्ट लूंगा वो नहीं है ठीक है मोक टेस्ट जो भी मैं हर चैप्टर के बाद में लूंगा वो नहीं है ठीक है जी और क्या नहीं है सर रिकॉर्डिंग बैकअप बैकअप नहीं है हाँ इनिशियली जो दो तीन क्लास चार क्लास होंगी वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी तो अगर आपका इनिशियली कोई क्लास मिस हो जाता है जैसे आज किसी का क्लास मिस हो गया और वो रिकॉर्डिंग देख रहा है डोंट वरी इनिशियली दो तीन क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी लेकिन उसके बाद में जीरो बैकअप बोलना भी मत सर एक क्लास प्रोवाइड करा दो बोलना भी मत जीरो बैकअप अगर आपको बैकअप लेना है तो फिर सिक्स पॉइंट है लाइव प्लस बैच लाइव प्लस बैच में आपका ये सब कुछ होगा लाइव प्लस बैच में आपका ये सब कुछ होगा क्या होगा सर बुक्स होंगी अभी के लिए अच्छा अभी के लिए जरूरी नहीं है हमेशा अभी के लिए बुक्स अगर कोई एक दो दिन में एनरोल कर रहा है तो यस ये होगा, हर का, हर का होगा जिसके कि अगर तीन घंटे का लेक्चर है तो आप उसको साढ़े चार घंटे तक देख सकते हैं आ, anytime, आ, आ, कितने भी टाइम्स लाइक यू प्लेड वन लेक्चर दस मिनट बाद आपने बंद कर दिया फिर वापस दस मिनट का देखा वापस दस मिनट का देखा दैट्स फाइन ट इज नॉट काउंटेड एज व्यू ठीक है तीन घंटे का लेक्चर आप टोटल साढ़े चार घंटे देख सकते हो इसकी जो तो वैलिडिटी है वो शायद छह महीने रखी है मैंने मैं एक बार चेक कर लेता हूं शायद सिक्स मंथ वैलिडिटी है ठीक है लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे चलेगा सर लैपटॉप प्लस मोबाइल दोनों पे चलेगा अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दो से तीन दिन के अंदर अंदर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट होने वाली है हमारा जो वेब ब्राउजर है वो भी अपडेट होने वाला है वेबसाइट भी अपडेट होने वाली है तो ये जो चीज है कि लैपटॉप प्लस मोबाइल पे कैसे चलेगी ये मैं तीन से चार दिन के बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ और यूट्यूब पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि हाउ टू रन बैकअप ऑन दी लैपटॉप और मोबाइल ऐप दोनों पे अवेलेबल आपको होने वाला है ठीक है इट क्या है अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वन ट्रिपल नाइन प्राइसिस है इतना काफी है ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड अब एक एक करके डाउट्स लेते हैं बच्चों के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स में ले रहा हूँ सो यू गाइज कैन आस्क मी एनी थिंग नाउके गो है डायरेक्ट मैसेज कर देना ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो ठीक है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो जूम पे कोई भी डाउट है दो मिनट डाउट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है होमवर्क की पी डी एफ कहा मिलेगी सर मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगी जो आपने कोर्स एनरोल किया है वहीं पर ठीक है होमवर्क की पी डी एफ फ्री है सबके लिए एवरीबडी विल गेट होमवर्क का पी डी एफ चाहे आपने आ, फ्री बैच लिया हो चाहे आपने पेड बैच लिया हो होमवर्क का पीडीएफ सबको मिलेगा ठीक है सर क्वेश्चन के पीडीएफ सबको मिलेंगे सर ड्यूरेशन क्या होगा अराउंड तीस से पैंतीस लेक्चर्स थर्टी टू थर्टी फाइव लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे यानी कि डेढ़ महीना मैक्सिमम डेढ़ महीना सर ड्यूरेशन क्या होगा हो गया सर क्वेश्चन कंपाइलर मैंने बता दिया आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी कौन सा ऐप है सर हक से सीए App है, आपको क्या करना है प्रियांस अगर अदर फैकल्टी की बुक्स है तो वैल एंड गुड कोई आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड आपको वो बुक अच्छी लगती है परफेक्ट है मतलब किसी के पास अगर कोई दूसरी फैकल्टी की बुक है दट इज इक्वली वैलिड ऐसा कुछ नहीं है कॉन्टेंट वही होता है राइट right? सेप्टेम्बर अटैम्प्ट की बुक्स जनवरी अटैम्प्ट के लिए यूज होगी ना बिल्कुल हो सकती है सर सेम है सेप्टेम्बर और जनवरी का अटैप सेम है सर लाइव कहीं और नहीं होगी बिकॉज जूम पे लैग होता है सर यार हिमांशु जूम पे तो सबसे अच्छा होता है मतलब जूम के अलावा हर जगह लैग मैंने सुना है बट जूम मीटिंग तो इज बेस्ट हैविंग सेड दैट से चार दिन के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट होने वाली है डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपडेट होने वाली है तो होगी तो जूम पे ही लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाना है वहां पे गो लाइव पे क्लिक करना है और आप मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हो तो होगा तो जूम ही बट विद मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है ओके और क्या डाउट्स हैं? वन सेकेंड सर क्वेश्चन पीडियो हो गया ये हो गया ये हो गया भैया जी नीचे चलो क्या हो रहा है वन सेकेंड हा जी आ, सर लाइव कहीं और नहीं अच्छा सर, सर रेगुलर जनवरी ट्वेंटी फाइव के साथ भी बुक भेजोगे नहीं रितेश रेगुलर ट्वेंटी फाइव के साथ बुक्स नहीं है सॉरी वो पुराने रिकॉर्डेड बैच है उनके साथ बुक्स नहीं है उनके लिए आपको अलग से बुक्स एनरोल करनी पड़ेगी ठीक है और सर रूपी वन वन आर चैप्टर सीरीज भी बनाइए ना जीएसटी एस टी की तरह है, क्योंकि डी वाले ओल्ड हैंड रिटर्न हाँ अनिश ये हुई ना बात ये तो एक मेजर अनाउंसमेंट थी अनिश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है जिसका मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ वो ये है कि जो मेरी बुक्स जिस जिन्होंने भी एनरोल किया है वो जो करने वाले हैं जो ये वाली बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे जिन्होंने एनरोल कर ली है या करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है गुड न्यूज क्या है गुड न्यूज ये है कि हम इन बुक्स के साथ में आप लोगों को वन आर रिविजन वीडियो फ्री देने वाले हैं ठीक है आपको क्या करने वाले हम वन आर रिविजन वीडियो फॉर ईच चैप्टर हर एक चैप्टर की एक घंटे की रिविजन वीडियो वो फ्री देने वाले हैं जिसमें हम आपको इन चैप्टर्स का पूरा रिवीजन करवाएंगे एक घंटे में एक चैप्टर अराउंड एक घंटा तीस से एक घंटा ठीक है वो फ्री देने वाले हैं वो भी कहा मिलेगी बैच के अंदर तो आपने जो जो कोर्स से बैच खरीदा है मतलब आपने जो मेरा आ, बुक खरीदा है उसी के अंदर कॉन्टेंट के अंदर आपको बहुत जल्दी धीरे धीरे रिविजन वीडियोज अपडेट होने लग जाएगी ठीक है वेरी गुड डाउट आगे क्या है सर आपकी रेगुलर बैच के नोट्स हैं वो चलेंगे ना हाँ बिल्कुल चलेंगे जिज्ञास्या बिल्कुल चलेंगे आईटीडी आईटीडी क्या होता है आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्स ओके बी इसी बैच में होगा सर आई I मीन mean, नहीं नहीं केवल डायरेक्ट टैक्स केवल डायरेक्ट टैक्स थैंक यू ओके आगे क्या है ओके okay, ओके okay. सर क्लास कितने घंटे की होगी तीन घंटे की होगी सर आ, मैं ऐप के डी के बुक के बात कर रहा हूं मेरे पास वो जनवरी वाले के लिए यूज करूं हाँ कर सकते हो सर आई जस्ट ज्वाइन कैन यू प्लीज टेल मी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड एंड फ्री बैच आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द वीडियो ऑन द यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल है सॉरी आकाश uh, सर वहां पे आप जाओ और आपको एक वीडियो दिखेगी uh, लगभग 40 मिनट की उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है प्लीज डू वॉच दैट ठीक है सर होमवर्क पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर देना uh, देखते हैं लेट्स सी शायद नहीं करूंगा बट लेट्स सी ठीक है चलो आपके डाउट सारे खत्म हो चुके हैं जिन बच्चों के डाउट्स नहीं है वो बोर हो चुके हैं तो अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं लेके प्रभु का नाम जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं प्लीज एक बार चैट बॉक्स में ये लिख दो कि जिंदा हैं ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप लोग जिंदा हो मरे नहीं हो ठीक है बेहोश नहीं हो गए हो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि सर जिंदा है ठीक है परफेक्ट परफेक्ट टाइप करना है जिंदा है ना थम्सअप नहीं चलेगा हाँ जिंदा है परफेक्ट सर हम हम अभी जिंदा है परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड परफेक्ट अलाइव परफेक्ट परफेक्ट लाइव एंड अलाइव परफेक्ट है परफेक्ट 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 सब लोग जिंदा है यार सब लोग सब लोग मरे नहीं अभी तक हैं मुझे लगा था कि एक दो तो लुढ़ गया होगा चलो वेरी गुड वेरी गुड आप लोगों ने बहुत सह लिया है अब हम क्लास के बारे में बातें करते हैं ताकि आप लोगों को मजा आना स्टार्ट हो ठीक है सबसे पहले है बेसिक्स आप लोगों को एक बात बताऊं डायरेक्ट टैक्स मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट है है ना वो सबसे बड़ा है बहुत बड़ा है ही नहीं है मैं कह रहा हूं पचास नंबर में इतना बड़ा ही नहीं है मैं तो कहता हूं इसको चार सौ नंबर का कर देना चाहिए केवल डायरेक्ट टैक्सेशन को ही चार नंबर का कर दो फिर भी मैं कहूंगा कि वर्थ इट नहीं है इतना बड़ा सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स इज वेरी वास्ट बहुत बड़ा है बट ये जो आपके सामने बैठा है इसके डायरेक्ट टैक्सेशन में सी ए फाइनल में कितने नंबर आए थे ट्वेंटी एट आउट ऑफ थर्टी कितने नंबर आए थे अट्ठाईस मैंने लास्ट के डेढ़ दिन में मैंने लास्ट के डेढ़ दिन सी ए फाइनल का डायरेक्ट टैक्सेशन फाइव टाइम्स सी ए फाइनल का टैक्सेशन इन वन एंड हाफ डे अराउंड फाइव टाइम्स सर कैसे किया ये सब बातें हम इस बैच में करने वाले हैं क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए डायरेक्ट डायरेक्टेशन जैसे वास्ट सब्जेक्ट को छोटा कैसा करें इस सब्जेक्ट को ऐसा कैसा करें कि सर पांच दिन में रिवाइज हो जाए तीन दिन में रिवाइज हो जाए लास्ट दिन में आराम से रिवाइज हो जाए ये सब बातें हम करने वाले हैं लेकिन ये कोई एक दस मिनट का वीडियो नहीं होगा ये पूरी जर्नी होगी ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं पांच मिनट बोलूंगा और हो जाएगा नहीं ये पूरी जर्नी होगी तो प्लीज इस जर्नी में एंड तक टिके रहना मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्सेशन जैसे बड़े सब्जेक्ट को छोटा कैसे करते हैं ठीक है चलो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन का जो वेटेज है वो वेटेज कितना है बच्चा डायरेक्ट टैक्सेशन का जो वेटेज है वो है आपका फिफ्टी मार्क्स है ना पचास नंबर का आपका डायरेक्ट टैक्सेशन आता है जिसमें से पैंतीस मार्क्स का तो आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव और पंद्रह मार्क्स का आपका आएगा ठीक है हमारा टारगेट ये होगा कि इस पंद्रह मार्क्स में तो आपका पंद्रह में से पंद्रह है पंद्रह में से एक भी नंबर ना कटे और इस पैंतीस में से पैंतीस में से लगभग पच्चीस तो आई जाए ज्यादा तो नहीं पच्चीस तो आई जाए मैं ये नहीं कहता कि पैंतीस के पैंतीस आ जाए बट हम इतना तो कंफर्टेबल पोजिशन पे जरूर आएंगे जरूर आएंगे कि आप 35 में से 25 मार्क्स तो आराम से ले आओ यानी कि ओवरऑल 50 में से 40 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप इस बैच को सीरियसली होमवर्क के साथ अटेंड करते हैं तो ठीक है ओके okay. सब बेसिक्स स्टार्ट करते हैं खत्म डन सब बेसिक्स में कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक लायक कुछ भी नहीं है तो ये हो गया डन सब बेसिक्स में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है जीरो कितने नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चा जीरो कोई भी क्वेश्चन बेसिक्स में से नहीं आएगा मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आईसीआई का बेसिक चैप्टर मैं बात कर रहा हूं मेरी बुक का बेसिक चैप्टर क्योंकि मैंने आईसीआई के बेसिक चैप्टर को चार चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जिसमें थ्योरी अलग कर दी एग्रीकल्चर अलग कर दिया जो अनएक्सप्लेन क्रेडिट इनकम है वो अलग कर दी सब कुछ मैंने और कंप्यूटेशन अलग कर दिया तो चार चैप्टर में मैंने डिवाइड कर दिया मैं आपको कह रहा हूं कि जो इस बुक का बेसिक है उसको मत करना फिर भी केवल रीड के पर्पज से मैं आपको रीड करवा देता हूं डन है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है टैक्स क्या होता है सर टैक्स एक कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दी सोसाइटी होता है यानी कि अगर आपको जीना है तो टैक्स देना पड़ेगा ठीक है दो तरीके के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो कि डायरेक्टली पर्सन बियर करता है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो कि किसी पर्सन पे ट्रांसफर किया जाता है यानी कि कलेक्ट आप करते हो गवर्नमेंट को आप पे करते हो लेकिन उसका बर्डन कोई और यानी कि कस्टमर बियर करता है ठीक है सर टैक्स की पावर कहां से मिली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि टैक्स लगाना है लगा दो भाई आपको कहीं से तो पावर चाहिएगी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो नहीं है कि कल को बोले कि सोने के ऊपर टैक्स है है ना अगर आपको आराम करना है तो टैक्स है अगर आपको सांस लेनी है तो टैक्स है खाना खाना है तो टैक्स है नहीं ना कहीं से तो पावर आ रही होगी वो पावर कौन देता है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन कौन देता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ इनकम टैक्स लगाने की पावर कौन देता है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगाने की पावर कौन देता है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पावर इनकम टैक्स लेवी करने की पावर कौन देता है Constitution. Sir, कौन देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान हिंदी में बोलते हैं संविधान भारतीय संविधान गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो सर आगे चलते हैं क्या है हैल टू आर्टिकल 265 बोलता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स बिना कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी के कलेक्ट नहीं कर सकते आर्टिकल 246 तीन लिस्ट के बारे में बातें करता है सबसे पहले यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर लिखे गए हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी गई है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी गई है जिनके ऊपर दोनों यानी पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके कानून बना सकते हैं अब ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज के लिए एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है एंट्री नंबर एट्टी ऑफ यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ये बोलती है कि गवर्नमेंट जो है वो इनकम के ऊपर टैक्स लेवी कर सकती है अदर अदर देन देन व्हाट एग्रीकल्चर इनकम अदर देन व्हाट एग्रीकल्चर इनकम अच्छा सबको वीडियो ऑडियो सही आ रहा है ना कोई ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को कोई ऐसा तो नहीं है कि सर लैग हो रहा है या कुछ भी परफेक्ट है ठीक है अब इस एंट्री को बार बार पढ़ो इस एंट्री को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो ओके आ, किसको करें अमित 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 भाई एक बार अनम्यूट करना फटाफट से वीडियो क्लियर नहीं है बाकी सब ठीक है ठीक है कल वीडियो भी क्लियर करेंगे मैं समझ गया वीडियो क्लियर नहीं है एच वाला कुछ लेना पड़ेगा ठीक है अमित अनम्यूट करना फटाफट सर अमित भी कही है क्या एक ही है ना अमित जो भी अमित है सब अनम्यूट कर दो हाँ जी अमित आवाज आ रही है यस yes, सर ओके अमित एंट्री नंबर कौन सी है एटी टू एटी टू कौन सी लिस्ट की यूनियन लिस्ट की यूनियन लिस्ट अच्छा यूनियन लिस्ट का पावर किसको दिया गया है यूनियन लिस्ट में जितने भी कानून है वो कौन बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो अमित कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एज पर एंट्री नंबर एटी टू इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती है राइट यस सर यानी कि अमित आप ये कहना चाह रहे हो कि सर एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उस बुक में कोई तो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स है ना आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स है उस आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स में तीन लिस्ट है उन तीन लिस्ट में से जो पहली लिस्ट है उस लिस्ट के एंट्री नंबर एटी टू एटी टू आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो पहले कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं कौन सा आर्टिकल देखना है अमित 246 246 246 आर्टिकल कितनी लिस्ट 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 देता है थ्री तीन तीन में कौन सी लिस्ट देखनी है यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री एटी टू एटी टू अब अमित मुझे डाउट ही आ रहा है कि जो एंट्री नंबर एटी टू है उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली exactly पढ़ के बताना Uh, यानी so कि जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, जी, जी, जी है वो किसी भी इनकम पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन लेकिन अमित कौन सी इनकम पे नहीं कर सकते एग्रीकल्चर इनकम क्या बात कर रहे हो सर सब लोग जितने भी लोग पहले से इनकम टैक्स जानते हैं एक बार मुझे ऐसे ऐसे लिख के बताओ क्या बात कर रहे हो सर माइंड ब्लोइंग हमें लगता था एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम होती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर no. 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर ही नहीं है पावर ही नहीं है क्या बात कर रहे हो सर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा नहीं। सकती नहीं लगा सकती दैट्स नॉट पॉसिबल तो सर पावर किसके पास है पावर है state नीचे वाली एंट्री पढ़ना बच्चा अमित नीचे वाली एंट्री पढ़ना इम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम सर एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स ऑफ स्टेट स्टेट लिस्ट लिस्ट की एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स में पावर किसको दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को सर ये जो तो भीमराव अंबेडकर महाराज थे ना हमारे आदरणीय ये बड़े चालाक थे इनको पता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ेंगे तो ये आज नहीं तो कल इनकम टैक्स लगा देंगे इन्होंने किसको दे दिया स्टेट uh, गवर्नमेंट अब मुझे बताओ क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया है क्या नो कभी सार्थ. सुना है क्या महाराष्ट्र एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट नो। राजस्थान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट सुना है क्या सर क्यों नहीं, नहीं होता अमित क्यों नहीं होता अमित अगर तू बता देगा ना मेरी तरफ से पांच रुपए की चॉकलेट नोट कर लेना अच्छा मैं चॉकलेट देता हूं बच्चों को नॉर्मली है ना तो नोट कर लेना और फिर जब क्लास एंड हो जाएगी अपनी तो मुझे बता देना कि सर सौ रुपए हो गए हैं तो मैं सौ रुपए ट्रांसफर कर दूंगा है ना अगर कोई मुझे बता दे अगर मुझे सर, कोई बता दे कि क्यों किसी स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया क्योंकि सर क्योंकि लोगों का मतलब लोगों का मेन काम मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है नहीं वो तो ठीक है अरे वो तो ठीक है देट्स ऑल फाइन बट किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया तो उसकी पार्टी का नाम और निशान दोनों ही मिट जाएंगे। यस सर, अगर कल मोदी ने राजस्थान में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक परसेंट भी टैक्स लगाया तो न केवल राजस्थान किसी भी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट वापस आना पॉसिबल ही नहीं है जो भी लो मेकर थे वो बड़े समझदार थे उन्होंने कहा ये काम स्टेट गवर्नमेंट को दे दो फसा दिया दोनों को चलो ठीक है आगे चलते हैं सर एक डाउट आ रहा है कि सर फिर एग्रीकल्चर इनकम एक्सम क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर में में तब तक के लिए ये डाउट अपने आ, मन में रखना ठीक है चलो अब बात करते हैं इनकम टैक्स लो क्या होता है फालतू की बात फिर भी समझ लेते हैं इनकम टैक्स लो में पांच चीजें पांच चीजों को बनकर इनकम टैक्स लो बनता है सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट दूसरा फिनांस एक्ट तीसरा इनकम टैक्स रूल्स चौथा सर्कुलर पांचवा नोटिफिकेशन एंड लास्ट केस लॉस ठीक है पांच चीजें मिलके इनकम टैक्स लॉ बनती है एक दो तीन चार पांच छह अच्छा मैंने नोटिफिकेशन और सर्कुलर अलग अलग कर दिए वैसे पांच ही होती है बट मैंने अलग अलग लिख दिया ठीक है चलो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है जो हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है सर इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया को लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को मिला के पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट लगता है इनकम टैक्स एक्ट एक अप्रैल उन्नीस को आया था वन अप्रैल को अप्लाई हुआ था लेकिन इसके जो, जो हाँ सेक्शन है, है, से है, है, से है ठीक है यहाँ पे एक चीज अमेंड करो ये टू होगा नाइनटीन सिक्सटी टू में आया था इनकम टैक्स एक्ट जो है वो नाइनटीन सिक्सटी टू से आया था वन से नहीं ठीक है ये चीज अमेंड कर लो

वरुण कम था वरुण फटाफट आ जाओ वरुण को ब्लर आ रहा है ओके okay. या ब्लर का क्या ऑप्शन है नेटवर्क चेंज करें अभी तो वो भी नहीं कर सकता कल करेंगे नेटवर्क चेंज करेंगे चलो वरुण कैन यू अनम्यूट यस वरुण आवाज नहीं आ रही आपकी एक बार बोलोगे कुछ प्लीज नॉट प्रोपली uh, थोड़ा बहुत तो आ रहा है चल कोई बात नहीं मानव मानव कम मानव के साथ पढ़ते हैं दो मिनट मानव फटाफट अनम्यूट करना ये गुड इवनिंग सर हेलो हाँ जी गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग अच्छा मानव एक बात बता इनकम टैक्स कब आया था 1950 1961 1 में आया था अब मुझे एक बात बता यार वरुण 1961 का कोई एक्ट है क्या वो एक्ट आज भी सेम फैशन में काम करेगा क्या वो कानून जो कि 1961 में आया था कैन वी एक्सपेक्ट कि सेम कानून सेम फैशन में काम करे नो सर नहीं यानी कि कानून इतना पुराना है कि उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होना अनिवार्य है इट नेसेसरी टू अपडेट दो फ्रॉम टाइम टू टाइम करेक्ट है yes, sir. अब वरुण एक बात बता यार। आ, अगर मैं इनकम टैक्स में मिड ऑफ़ द ईयर में अमेंडमेंट ले मिड ऑफ द ईयर में अच्छा वरुण नहीं शायद मैं मानव से बात कर रहा हूँ मिड ऑफ द ईयर में अमेंडमेंट ले यानी एक फरवरी को एक अप्रैल को पच्चीस मई को चौबीस जून को तो दिमाग खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि ये टैक्स है और टैक्स अगर आप इस तरीके से बदलोगे तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स है वो टैक्स साल में एक बार चेंज करो फाइन लेकिन बार बार चेंज करो तो प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये काम करते हैं साल में एक बार फिनास एक्ट साल में एक बार चेंज करेंगे यानी कि इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस करेंगे वो साल में एक, एक बार, बार करेंगे। करेंगे। और वो भी डिसाइडेड डेट पे जो डेट yes हमने डिसाइड कर ली उसी डेट पे आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस कमनी क्या बोला पूरे साल में केवल एक बार चेंज करेंगे एक फरवरी को मीटिंग करेंगे जितने भी आ, आ, वो हैं पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो सब एक साथ बैठेंगे चेयरमैन बैठेंगे और बहस करेंगे और बजट प्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो इस फिनांस एक्ट yes, के थ्रू अमेंडमेंट आते हैं ठीक है यस सर एक्ट में चार पार्ट होते हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर ठीक है सबसे पहले जो पार्ट वन है उसमें रेट आती है करंट असेसमेंट ईयर की यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर की जो पिछला प्रीवियस ईयर है यानी आपके एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस ईयर बाईस तेईस आपका सिलेबस में प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस एप्लीकेबल है तो आपके लिए yes, जो पिछले प्रीवियस ईयर की रेट है वो कौन से पार्ट में आएगी पार्ट मतलब जो फिनास एक्ट होता है वो चार पार्ट में डिवाइडेड होता है जिसके पार्ट वन में पिछले साल की जो रेट है वो लिखी जाती है यानी कि तेईस चौबीस में टीडीएस के लिए किसके लिए बच्चा टीडीएस के लिए जो टीडीएस की रेट है वो कहा लिखी जाती है पार्ट टू में पार्ट टू और जो सैलरी के लिए रेट है मतलब सैलरी की इनकम निकालने के लिए या एडवांस टैक्स निकालने के लिए वो लिखी जाती है पार्ट थ्री में और जो एग्रीकल्चर uh, के रूल्स हैं जिसको बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन जिसको पता है ओके okay, नहीं पता है तो आगे पढ़ेंगे जो पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो कहाँ लिखा जाता four है पार्ट फोर में तो पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो तो कई सालों से सेम चलता आ रहा है दैट इज सेम तो ये पार्ट फोर में तो कोई अमेंडमेंट आती नहीं है yes, मतलब मेरी नजर में मैं पिछले सात साल से फिनांस uh, एक्ट पढ़ रहा हूं सात साल में पार्ट फोर कभी भी अमेंड नहीं हुआ, हुआ। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ठीक है पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री अमेंड है? है। yes, होते हैं ठीक है चलो सर इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं इनकम टैक्स हाँ जी पूछो इस साल तो दो बार बजट आया ना एक इलेक्शन इलेक्शन से पहले के, के बाद बजट सर इस हाँ, साल तो दो बार इश्यू हुआ ना देखो दो बार बजट कब आता है जब मिड ऑफ द ईयर इलेक्शन हो तो लास्ट टाइम 2019 में था और अभी 2024 में है होता क्या है बच्चा बजट में आप पूरे साल का एक्सपेंडिचर और इनकम बताते हो करेक्ट है बजट में हम क्या बताते हैं कि पूरे साल कहा खर्चा करेंगे कहा किस रेट पे पैसा आएगा अब मुझे एक बात बताओ जब एक फरवरी को बीजेपी गवर्नमेंट ने बजट दिया तो क्या ये पता था कि वापस से गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी या नहीं, नहीं, तो। नहीं पता था तो जो एक फरवरी 2024 को बजट आया यानी कि फिनांस एक्ट ट्वेंटी वो दो पार्ट में आया पहले तो एक फरवरी को और बाद में तेईस जुलाई को आर यू गेटिंग पॉइंट सर सर यस तो जो भी मई में अटैंप देने वाले हैं वो इतने बदनसीब हैं और जिन्होंने 2019 में अटैम्प दिया था 20 में वो भी बदनसीब थे आप अपन अपन नसीब वाले हैं कि तो अपने को फिनांस एक्ट ट्वेंटी थ्री एप्लीकेबल है आर यू गेटिंग अरुगडिमा पॉइंट यस सर चलो अच्छा आप लोगों को बता दू मैं जब पहला बजट आया था मतलब एक फरवरी 2024 को तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था निर्मला जी ने कुछ भी नहीं उन्होंने न्यूज में स्टेटमेंट दी थी कि हम कुछ चेंज नहीं कर रहे ये ही बहुत बड़ा चेंज है जब न्यूज में पूछा गया निर्मला जी से कि आपने कोई राहत नहीं दी कुछ नहीं किया तो निर्मला जी ने क्या बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे ये बहुत बड़ी बात है Point? जब दूसरा बजट आया तो इतने चेंजेस किए मैंने खुद ने सेमिनार लिया है सीएस का मैं सेमिनार लेता हूँ इनकम टैक्स पे मैंने खुद ने सेमिनार लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे थे कि सर इतने मैंने बोला भर भर के चेंजेस हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जनवरी अटैम्प दे रहा है भाई निकल जाना अगर फंस गए तो री अटैम्प तो देना ही है इनकम टैक्स को री करना बड़ा मुश्किल वाला काम है ठीक है चलो कोई बात नहीं इतना है डराते हैं बस चलो इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं बहुत सिंपल है इनकम टैक्स एक्ट बना दिया लेकिन सभी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिख सकते इसलिए क्या बना दिया जाता है इनकम टैक्स रूल्स इनकम टैक्स एक्ट में तो प्रोविजन लिखा जाता है और इनकम टैक्स रूल्स में एप्लीकेशन लिखा जाता है किस प्रोविजन को अप्लाई कैसे करेंगे आर यू गेटिंग पॉइंट अप्लाई कैसे करेंगे जैसे इनकम टैक्स की रेट लिख दी लेकिन इनकम टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे उसका फॉर्म नंबर क्या होगा है ना इनकम uh, टैक्स में पेन लेना है परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है कैसे लेंगे क्या प्रोसीजर होगा कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे है ना आपको मान लो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे तो ये सब चीजें कौन बताता है इनकम टैक्स रूल्स ओके ओके अमित एक बार अनम्यूट करना जो सबसे पहले कनेक्टेड थे अमित ही थे ना हाँ अमित अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि इनकम टैक्स एक्ट आया कब था लेकिन अप्लाई कब से हुआ था टू क्यों सर क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स कब आए थे बच्चा 1962. जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक एक्ट अप्लाई नहीं होगा नहीं होगा ये तो सीधी सी बात है ना बच्चा जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक एक्ट अप्लाई नहीं होगा नहीं। सर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं घर पे पापा ने रूल बनाया कि बेटी सात बजे के बाद में बाहर नहीं जाओगे आ, आ, एक तो बना दिया कि सात बजे के बाद में घर से निकलना बंद है लेकिन जब तक रूल नहीं बनेंगे रूल क्या कि मम्मी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सात बजे के बाद अगर ये लड़की बाहर जाए तो इसको आप रोकोगे कैमरे लगा दिए गए कि बच्ची बाहर नहीं जानी चाहिए सेम एप्लीकेबल टू बच्चा ऑल्सो तो सर एक्ट तो ये होता है कि जो चीज लिख दी कि हाँ ये कानून है लेकिन उस कानून को अप्लाई करने की जो प्रोसीजर होती है वो कहां लिखी जाती है रूल्स में अब जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक कानून का कोई मतलब ही नहीं सर अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो दस हजार रुपए का चालान है लेकिन अगर उसका प्रोसीजर नहीं बताया कि चालान कलेक्ट कौन करेगा है ना गाड़ी की चाबी कौन सीज करेगा उसके अगर दस हजार का चालान नहीं दिया तो क्या होगा है ना हेलमेट कौन सा पहना है है ना हेलमेट की वो स्ट्रिप है कि नहीं है ये सब चीजें कहा लिखी जाती है रूल्स में अरे पॉइंट तो जब तक रूल्स नहीं तब तक एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है रूल्स रूल्स चेंज चेंज हो हो सकते सकते हैं हैं ड्यूरिंग बिल्कुल विदाउट पार्लियामेंट कौन चेंज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही सर रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं अभी भी चेंज हो सकता है शाम को दस बजे भी चेंज हो सकता है रात के बारह बजे भी चेंज हो सकता है कभी भी पूरे साल में कभी भी चेंज हो सकता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर रूल्स कभी भी चेंज कर सकते हैं कौन चेंज करेगा रूल कौन चेंज करेगा एक बार लिख के बताओ चेंज कौन करेगा रूल कौन चेंज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सर मतलब पार्लियामेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सर पार्लियामेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करेगा कौन चेंज करेगा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सर दोनों में फर्क क्या होता है कोई बताएगा मुझे पांच रूपए की चॉकलेट अगर कोई मुझे यह बता दे कि पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फर्क है पार्लियामेंट में सर बिल पास करवाना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी के कोई भी जैसे बड़े सदस्य हो सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं निर्मला okay. सीतारमन हो गए ओके नॉट बैड बट नॉट करेक्ट

है ना आपका क्या बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ये सब क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है आर यू गेटिंग पॉइंट ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो रूलिंग पार्टी है रूलिंग पार्टी ने जो मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं जैसे कि निर्मला जी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, है ना आ, ये क्या बोलते हैं अपने आ, आ, अमित जी रूलिंग पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है लेकिन जब एक्ट में चेंज करना है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसमें राहुल जी का भी वोट लगेगा आर यू गेटिंग युगेटिंगमा पॉइंट चलेगा ठीक है बस यही फर्क है तो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है आगे चलते हैं ओके आ, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन करेगा सीबीडीटी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट है क्या करेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है मिनिस्ट्री फिनांस मिनिस्ट्री मिनास मिनिस्ट्री फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो चेंज करती है सर अब बात आती है सर्कुलर और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स होते हैं क्लैरिफिकेशन क्या होते हैं बच्चा ये क्लेरिफिकेशन मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है आप ये मत सोचना कि सर पूरा लेक्चर इसी तरीके से चलेगा क्या नहीं ये थोड़ा फास्ट है बाकी सब स्लो चलेगा सर्कुलर सर्कुलर होते हैं क्लैरिफिकेशन यानी कि प्रोविजन में या रूल्स में कोई भी डाउट है डाउट का मतलब रीड कैसे करें समझ नहीं आ रहा उसका मतलब समझ नहीं आ रहा मीनिंग समझ नहीं आ रहा उसका एप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चा सर्कुलर लेके आएगी कौन सीबीडीटी कौन लेके आएगा बच्चा सीबीडीटी सीबीडीटी क्या लेके आएगा सर्कुलर और वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो भी सर्कुलर में लिखा होगा वो क्लेरिफिकेशन माना जाएगा लेकिन सर्कुलर जो है वो केवल किस पे बाइंडिंग होगे डिपार्टमेंट पे केवल किस पे बाइंडिंग होंगे डिपार्टमेंट पे जिज्ञासा अनम्यूट करना जिज्ञासा फटाफट अनम्यूट करना एक बार सर यस जिज्ञासा सर्कुलर किस पे बाइंडिंग होते हैं सर्कुलर्स सर्कुलर्स की बात किसको माननी ही पड़ेगी अगर सर्कुलर में कुछ लिख दिया तो उसका फॉलो करना ही पड़ेगा किसको डिपार्टमेंट 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 को क्या असेसी अगर चाहे तो सर्कुलर को फॉलो ना करे हाँ जी सर बिल्कुल सर एक सेकंड रुकिएगा सर एक सेकंड रुकिएगा आई कॉल ओके okay. चलो जी ओके 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 वापस आ गया मैं हाँ जी जिज्ञासा yes, अच्छा सर्कुलर किस पे बाइंडिंग होते हैं बच्चा डिपार्टमेंट पे अस एस पे नहीं होते ना नहीं सर नहीं होते सर क्यों क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सी बात है समझना जिज्ञासा कानून जी. में कोई चीज लिखी गई हुँ. उसके दो मीनिंग है उसके दो मीनिंग अब देख जैसे कि एक सेंटेंस है रुक, हाँ, मत कर, रुक मत कर रुक मत कर और दूसरा रुक मत कर, कर। तो दोनों से सेंटेंस सेम है लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है हाँ जी सिमिलरली कई बार ऐसा होता है बच्चा कि एक्ट के अंदर कुछ लिखा गया है लेकिन अलग अलग लोग उसका अलग अलग मीनिंग निकाल दे अब मुझे एक बात बता बच्चा क्या हाँ जी क्या क्या सीबीडीटी के पास इतने पावर हो सकते हैं कि वो कानून का इंटरप्रिटेशन कर दे नहीं सीबीडीटी एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी क्या है एक डिपार्टमेंट है समझो सरकारी डिपार्टमेंट है सीबीडीटी क्या है सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो कानून की लिखी गई अंदर की बातें इंटरप्रेट कर दे नहीं सर नहीं सर फिर पार्लियामेंट क्यों रखी है नो सर अगर सीबीडीटी सीबीडीटी अगर सीबीडीटी चीजों को इंटरप्रेट करने लग गया कि मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा क्या मतलब है मैं बताऊंगा तो क्या पार्लियामेंट का ये बेजती नहीं होगा सर. सर, कानून को कैसे कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट? हाँ, लेकिन अगर है तो क्लैरिफाई तो कर ही सकते हैं सर. मतलब कि देख मेरे अकॉर्डिंग मतलब है बाकी तू देख ले तो सर, जब सर्कुलर आता है तो जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसको तो मानना ही पड़ेगा पड़ेगा लेकिन जो असेसी है वो चाहे तो ना माने ना माने ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं अगले लेक्चर में यानी इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में बताऊंगा ठीक है हाँ जी चलो अच्छा ये जो सर्कुलर होते हैं ये कोई ऑफिशियल गैजेट या कोई कहीं इश्यू करना होता है कहीं नहीं, नहीं। सर केवल एक नोटिफिकेशन निकाल दो एक कागज जैसे चिट्ठी होती है ना वैसे चिट्ठी निकाल दो बस ओके ओके सर अब बात आती है जिज्ञासा नोटिफिकेशन बच्चा क्या आता है ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन अब नोटिफिकेशन क्या होती है बच्चा देखो जी क्या एक बात को समझना Act के अंदर चेंजेस आते हैं Act के अंदर क्या आते हैं लेकिन कई बार एक्ट के अंदर जो चेंज किया जाता है वो डायरेक्ट नहीं किया जाता इनडायरेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट का मतलब कि एक्ट ने पावर दे दिए गवर्नमेंट को एक्ट ने क्या कर दिए पावर दे दिए गवर्नमेंट को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसको इनकम टैक्स ऑलरेडी आता है वो समझ जाएगा आ, आपको आइडिया होगा कि अगर आपने एक लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है याद है जी अगर ये याद नहीं है तो ये याद होगा कि अगर आपने दो लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन एक्सपेंडिचर किया तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर ये याद नहीं तो ये तो याद होगा ही कि अगर आपका पचास हजार से ज्यादा टीडीएस है पच्चीस हजार से ज्यादा टीडीएस टीसीएस है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा याद है ना हाँ जी सर अब क्या ये चीजें एक्ट में लिखी है नहीं सर एक्ट में केवल एक लाइन लिखी है क्या लाइन लिखी है क्या लाइन लिखी है एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई क्या लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन वू आर रिक्वायर्ड टू फाइल टू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न क्या लिखा है बच्चा सर एक्ट में क्या लिखा जी क्या सर पढ़ के बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि एक्ट के अंदर यह नहीं बताया गया कि रिटर्न किसको फाइल करनी है पावर किसको दे दी किसको दे दी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल बोलते हैं पावर शिफ्ट करना क्या बोलते हैं बच्चा पावर, पावर शिफ्ट, शिफ्ट करना।, करना अब मुझे एक बात बताओ पार्लियामेंट कितने साल कितने साल में कितने दिन काम करती है अंदाजा बताओ सर सौ दिन दो दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने गूगल करना पचास से साठ दिन काम करती है पार्लियामेंट और उसमें भी कई एमपी तो बाहर रहते हैं आते ही नहीं सुनो। yes no? पूरे तीन सौ पैंसठ दिन में से पचास दिन काम करती है पार्लियामेंट तो क्या यह पॉसिबल है कि पार्लियामेंट के सामने बार बार अमेंडमेंट लेके आए नहीं सर नहीं सर सर उनके पास और भी तो काम है डिफेंस देखना है गरीबों को हुँ। देखना, हुँ। है, देखना है एग्रीकल्चर देखना है गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर पावर किसको शिफ्ट करवा ली सेंट्रल गवर्नमेंट खुद को खुद को ये एक्ट के अंदर ही लिख दिया कि किसको पावर शिफ्ट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब नोटिफाई कर सकती है Central. इसको बोला जाता है नोटिफिकेशन क्या बोला जाता है बच्चा नोटिफिकेशन अब मुझे एक बात बता नोटिफिकेशन की पावर कहां से आई एक्ट टू में से एक्ट कौन बनाता है गवर्नमेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट कौन बनाता है पार्लियामेंट तो क्या ये कहना सही होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा मतलब सब पे एप्लीकेबल होगा चाहे एस एस सी हो चाहे डिपार्टमेंट हो हाँ जी सर यस yes. क्यों क्योंकि नोटिफिकेशन इज कमिंग फ्रॉम एक्ट गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट तो इश्यू कर रही है लेकिन पावर कहां से मिल रही है एक्ट से सर्कुलर की पावर नहीं है नहीं सर्कुलर नहीं की है। पावर कहीं से नहीं मिल रही सर्कुलर तो क्या है बच्चा क्लैरिफिकेशन लेकिन नोटिफिकेशन की पावर किसने दी एक्ट ने और एक्ट कौन बनाता है पार्लियामेंट तो सर इसलिए जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो किस पे बाइंडिंग होंगे बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी बोथ डिपार्टमेंट एंड एस बात समझ आई हाँ जी सर तो सर जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए कि दो लाख से ज्यादा अगर आपका फॉरेन एक्सपेंडिचर है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर एक लाख से ज्यादा आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आपका टीडीएस टीसीएस पच्चीस हजार रूपये से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आपका प्रोफेशनल टर्न ओवर पचास लाख से ज्यादा है सॉरी प्रोफेशनल पंद्रह है और वैसे बिजनेस का पचास है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी सर किसने बताया नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ने किसने कौन नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ये नोटिफिकेशन ऑप्शनल है कि माने तो माने वरना मत माने नहीं सर मैंडेटरी है मेंदेट्री है क्यों क्योंकि इसकी पावर कहां से आई है एक्ट से परफेक्ट यार आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो म्यूट पे चले जाओ केस लॉज के लिए कौन आ रहा है केस लॉज के लिए कौन आएगा वानी वानी कम वानी का डाउट भी क्लियर कर देते हैं और वानी के साथ केस लॉ भी पढ़ लेते हैं वानी अनम्यूट करना एंड अनिस वेरी गुड आपकी मुझे वीडियो दिख रही है कंटिन्यूसली आई एम सो प्राउड ऑफ यू रत्नेश वेरी गुड पूर्वा वेरी गुड और बाकी सब लोग मेरे जैसे नालायक कोई बात नहीं चलो जी सर आई एम इन लाइब्रेरी वॉन्ट बी एबल टू अनम्यूट ठीक है ये बहाना भी सही है नहीं सर बहाना नहीं है सच में अनिस आ जाओ यस सर रवि कह रहे हैं मैं भी लाइब्रेरी में सर मुझसे मत पूछना पहले ही हाथ उठा रहा है वो क्या सर प्लीज मुझसे नहीं पूछना केस लो आ जानी केस लो बच्चा यस सर मान ले तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है मान ले जस्ट इमेजिन ठीक है सात वचन लेते हो यस yes, सर है ना सात वचन ले लिए क्या उन सात वचन में प्रैक्टिकल लाइफ की सभी चीजें कवर हो जाएंगी नो no, सर नहीं सर अगर आपने सात वचन ले भी लिए। सर वो सात वचन क्या है वो एक्ट है वो क्या है बच्चा Act. Act है। जो भी है अनीस वेट्स फलाना एक्ट है ना यस yes, सर लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक्ट में सब कुछ ही लिख दिया जाए नो सर या फिर उन सात वचनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है यस yes, सर सर एक वचन है कि आप अपने पति का हमेशा साथ देंगे वो बोले दिन तो दिन रात तो रात है ना तो पत्नी ने yes, बोला कि ये तो ठीक है ये तो वचन ले लिया लेकिन ये तो ना बोला था कि सुबह को क्या बोलना है दिन और रात की बात हुई थी सुबह के बारे में तो कुछ नहीं बोला ये सुनो यस सर देर देर कैन बी इंटरप्रिटेशन एक्ट में चाहे कुछ भी लिख दो देन ऑल्सो देअर कैन बी मल्टीप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन मतलब लड़ाई तो फिर भी होगी यानी कि अनिस आपने सात वचन लिख लिए नोट कर लिए साइन कर दिए फिर भी हैज टू टू बी सम मैटर यू आर गोइंग इन योर प्रैक्टिकल लाइफ कुछ मैटर ऐसे जरूर आएंगे जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे रिजोल्व करोगे जो, जो, जो सात वचन में कवर नहीं है गेटिंग माय पॉइंट तो सर सिमिलरली इनकम टैक्स में चाहे कितना भी लिख दो मैं कहता हूं कितना भी लिख दो फिर भी ऐसे मैटर आएंगे जहां पर लड़ाइया होंगी सर आप कौन हो आप पति हो सर डिपार्टमेंट कौन है पत्नी है सर आपने डिपार्टमेंट को बोला नहीं ऐसा है डिपार्टमेंट ने बोला नहीं ऐसा है अब क्या करें कोर्ट में चले जाओ कहां चले जाओ कोर्ट में कोर्ट में चले जाओ सर इस एक सेकंड रुकना कहा चले में. जाओ बच्चा कोर्ट में चले जाओ ठीक है तो इस कोर्ट का ही डिसीजन क्या होता है आ, लो बन जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो वो क्या बन जाएगा कानून और अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो वो केवल रेस्पेक्टिव स्टेट में क्या बन जाएगा एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा होगा यानी कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो वो एप्लीकेबल होगा ओनली राजस्थान में राजस्थान में और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो कहा एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस लो है वो कानून बन जाता है और हाई कोर्ट का केस लो है वो उस स्टेट के लिए क्या बन जाता है कानून बन जाता ठीक है इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे या इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक काम करते हैं पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं आई हैव एन अर्जेंट कॉल टू मेक एंड अच्छा मैं जब ब्रेक पे गया था तो मेरी वॉइस नहीं आ रही थी ना नो सर ठीक है तो पांच मिनट का ब्रेक है वी विल मीट एट सिक्स ट्वेंटी फाइव दस मिनट का ब्रेक है छह बज के पच्चीस okay. मिनट पे मिलते हैं ठीक है है इसे थे थे थे। नहीं लेना कोई बात ने बात ने ने ना। करनी है ना अनम्यूट करके करना भी पड़ेगा बाद में मुझे मत बोलना मेरी वीडियो ऑडियो लिख हो गई सब लोग प्लीज कौन है ये दो हजार पंद्रह सोलह सौ का जाएगा पाँच छह सौ रोहन सस्ता मिश्रा पंद्रह सौ का रहेगा तो एक हजार में ओके 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 म्यूट कैसे करते हैं है? ओके ओके अच्छे कुल सही जाए ऑप्शन नहीं, नहीं आ रहा सब अच्छे कंपनी का ही ले लो हाँ दो सौ तीन सौ का वो नहीं उसका कोई चलता नहीं है पंद्रह सौ सोलह सौ का नॉर्मली आएगा चाहे कौन से भी कंपनी तो, का रिप्लेस एड न्यू प्रोफाइल मेक हो सी नेम पुट इन वेटिंग रिमूव रिपोर्ट मेरा बस वीडियो तो, कोई बात नहीं अच्छा नेक वाला ऑप्शन चलिए ये भाई अपने में मस्त है मगन है चलो बड़े बड़े हाँ जी हम तो वापस आ गए हैं दो मिनट और हैं कोई बातें बाते करना चाहे तो अनम्यूट कर लो कुछ भी एनी थिंग एंड एवरीथिंग एनी थिंग एंड एवरीथिंग कुछ भी पूछना हो अभी हम आज है ना प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए फाइनली सेकेंड हाफ है ना अभी थ्योरी तो हो ही गया ऑलमोस्ट यस yes. मतलब ये जो बुक है ना ये बुक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि मुझे आइडिया भी नहीं था इनकम टैक्स का मैंने पहली बार बुक लॉन्च किया था ये नोट्स वाला मुझे सेकंड लोड प्रिंट करवाना पड़ा और अभी टू बी वेरी फ्रेंक मेरे पास पांच से छः ऑर्डर ऐसे हैं जो एडवांस हैं ऑर्डर तो हो गए अभी बुक नहीं है मेरे पास पांच ऑर्डर ऐसे हैं तो जिन्होंने आज या कल में ऑर्डर किए हैं उनके ऑर्डर अभी कल बनेंगे लाइक कल से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है, वेरी मच फॉर गिविंग सो मच लव ठीक है बहुत प्यारी बुक है आपको जब रीड करेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर से मतलब सेकंड चैप्टर से देन यू विल नो। बहुत अच्छी बुक है। ओके जी ये दो मिनट और हैं फिर हम आगे चलेंगे पहला चैप्टर छोड़ देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना पहला चैप्टर जरूरत नहीं है करने की एक सेकंड रुकना ठीक है जी ओके आगे सब परफेक्ट है अब हम बात करेंगे के एम आयुष के एम आयुष आ जाइए अनम्यूट कर कीजिएगा बच्चा यस yes, सर परफेक्ट चले आगे चल देख आयुष जो डेफिनेशन है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थ्योरिटिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो हम डेफिनेशन को छोड़ रहे हैं छोड़ना मतलब छोड़ ही रहे कर ही नहीं रहे आपको केवल इतना पता होना चाहिए आयुष कि सेक्शन नंबर टू जो है ना इनकम टैक्स एक्ट का वो डिफाइन करता है टर्म्स को किसको डिफाइन करता है बच्चा टर्म्स को प्लस कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी डिफाइन की गई है जैसे जिसको पता हो फिफ्टी सिक्स टू टेन गिफ्ट का सेक्शन है आयुष पता है आपको yes, गिफ्ट का सेक्शन थोड़ा सा याद है फिफ्टी सिक्स टू टेन गिफ्ट के बारे में बातें करता है ठीक है yes. आयुष गिफ्ट के अंदर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखा हुआ है किसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का रिलेटिव का रिलेटिव का डेफिनेशन याद है चाचा ताऊ उधर ऊपर पेरेंट्स नीचे बच्चे उधर इनके बीवी बच्चे थोड़ा थोड़ा याद है तो सर yes, रेस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन। तो सर डेफिनेशन दो तरीके से हो सकती है एक तो सेक्शन नंबर टू में section और दूसरा पर्टिकुलर और अगर कोई टर्म डिफाइन नहीं है अगर कोई टर्म डिफाइन ही नहीं है नहीं। तो उसका कहां से ले लेंगे बच्चा जनरल क्लोजेज एक्ट से ठीक है अगर जनरल क्लोजेज एक्ट में भी डिफाइन नहीं है तो कहां से ले लेंगे परफेक्ट देख कुछ डेफिनेशन है पर्सन पर्सन का मतलब सब कुछ एच यूएफ एच का मतलब जो आपका हिंदू एक्ट में डिफाइंड है वही ठीक है चलो इसको छोड़ेंगे कंपनी कंपनी अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं आयुष देख आयुष yes. कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है टून क्लोज सेवनटीन सेवनटीन ठीक है टू क्लोज सेवनटीन में किसका डेफिनेशन है कंपनी कंपनी का क्या बोलता है सर कंपनी कंपनी मतलब एनी इंडियन कंपनी कोई भी जो इंडियन कंपनी है वो क्या मानी जाएगी कंपनी, ठीक है इसके अलावा कोई फॉरेन कंपनी है उसको भी क्या माना जाएगा कंपनी अच्छा ये दो चीजें तो बड़ी सिंपल आयुष yes, आयुष क्या हो गया एनर्जी यस सर यस सर, वेरी गुड आयुष इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी दोनों को क्या माना जाएगा कंपनी कंपनी सर ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या बात कर रहे हो सर इसके अलावा देखो अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई एसोसिएशन या कोई बॉडी जो कि कंपनी एक्ट के अंदर सॉरी जो कि इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी बता दिया गया वो भी क्या मान लेंगे कंपनी यानी कि अगर इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया कि तू कंपनी है तो वो क्या मान लेंगे कंपनी यानी इनकम टैक्स एक्ट ने अगर तुझे कंपनी डिफाइन कर दिया तो तू भी क्या है कंपनी है या फिर अगर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अगर वो बोल दे कि तू कंपनी है तो भी तू क्या है कंपनी इज दैट ओके यानी कि सर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख ली कि हम किसी को भी कंपनी बोल सकते हैं मान लो कल को मैंने कुछ पैसा कमाया और टैक्स नहीं दिया मैं बोल रहा हूं कि टैक्स तो केवल कंपनी को लगता है मेरे को लगेगा ही नहीं कल को गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आप भी कौन हो कंपनी सर बिल्कुल ऐसा बोल सकती है कि आकाश सर इज कंपनी सर ये गवर्नमेंट के पास पावर है इज दैट ओके इंपॉर्टेंट ये है आयुष इंपॉर्टेंट क्या है क्लास ऑफ कंपनीज कंपनीज दो तरीके की होती है पहली डोमेस्टिक कंपनी दूसरी फॉरिन कंपनी ओ तेज बोल पहली डोमेस्टिक कंपनी दूसरी फॉरिन कंपनी सर आयुष डोमेस्टिक कंपनी भी दो भागों में बांटी गई है सर कौन सी एवरी इंडियन कंपनीज है डोमेस्टिक कंपनी एवरी इंडियन कंपनीज है जो से डोमेस्टिक कंपनी एवरी इंडियन कंपनीज डोमेस्टिक कंपनी सर इंडियन कंपनी कहा गया है कंपनी है? है कि जो भी कंपनी इंडियन तो सर इंडियन कंपनी मींस वो कंपनी जो कहा बनी है कंपनीज एक्ट में बनी है प्लस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस कहा होना चाहिए इंडिया में इंडिया में तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी को क्या domestic बोलेंगे company. ये बात समझ समझ आई क्या क्या आया? सर सबसे तो पहले ऐसी कोई भी जो कि में में बनी है प्लस उसका इंडिया में है उसका उसको क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी को क्या बोलेंगे डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट अलग like है me. और फॉरेन कंपनी सॉरी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट अलग like. है अब आयुष ये तो बड़ा सिंपल था ये इंपॉर्टेंट है क्या है ये हमारे एग्जाम में आया था दो में क्या था सर अगर कोई ऐसी कंपनी है आयुष जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर रही है तो उसको भी क्या बोल देंगे डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक जोर से बोलो आयुष ऐसी कोई कंपनी जो कि इंडियन कंपनी नहीं।, नहीं है लेकिन अगर वो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करके पे करेगी तो वो भी क्या कहलाएगी डोमेस्टिक कंपनी सर ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, नहीं है इंडिया का कंपनी है उसमें नहीं रजिस्टर्ड नहीं है सर, 20, 13, नहीं। लेकिन वो क्या कर रही है डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर रही है तो भी वो क्या मान ली जाएगी डोमेस्टिक कंपनी तो सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है जितने भी yes. लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं अगर छोटा सा भी डाउट है तो पूछो फटाफट चैट बॉक्स का पूरा पूर्ण करो। पूरा पूर्ण इस्तेमाल इस्तेमाल करो करो चैट बॉक्स का और जिज्ञासा जो मेरे पहले भी मेरे से एक बार पढ़ चुके उनको पता है मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया मैं सबको बता देता हूं कि जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तब आप चैट बॉक्स का यूज करेंगे और टाइप करेंगे मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे आपके दिमाग के अंदर वो चीजें जा रही है आप उसको टाइप करोगे कि इंडियन कंपनी ओके इज इक्वल टू लिस्टेड क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट प्लस ऑफिस इन इंडिया इस तरीके से टाइप करते रहो और वो डायरेक्ट मैसेज मुझे करना बच्चों को मत करना ऑल मत करना केवल मुझे ताकि और सबको डिस्टर्ब ना हो ठीक है वेरी गुड जिज्ञासा वेरी गुड यस प्रियांश का आ गया सर अगर अमेजन एल इंडिया में डिविडेंड दे शेयर होल्डर्स को तो वो डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी कंपनी बन बन जाएगी जाएगी yes! यस वो उस साल के लिए बन जाएगी जब उन्होंने डिविडेंड डोमेस्टिकोमेस्टिक्लेयर किया इंडिया में डिक्लेयर भी करेंगे और पे भी करेंगे ऐसा नहीं केवल डिक्लेयर किया डिक्लेयर प्लस पेमेंट दोनों अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की क्या बन जाएगी डोमेस्टिक चाहे फिर वो एक्चुअल में इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है हाँ जी आयुष समझ आया यस yes, जिसको भी समझ आ गया फटाफट से एक बार यस लिख के बता दो सर अगर किसी बॉडी कॉपरेट ने डिविडेंड दिया इंडिया में तो वो क्या भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी सर कंपनी ही डिविडेंड देती है और कोई बॉडी कॉपरेट डिविडेंड नहीं दे सकता तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनी तो यस अगर कंपनी इंडिया में डिविडेंड देती है तो दैट विल भी डोमेस्टिक कंपनी यस सर एनी कंपनी नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया बट डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन इंडिया एंड पेइंग डिविडेंड इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक कंपनी सर अगर एक भी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो भी नहीं सौरभ डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेमेंट का मतलब होता है सभी को नॉट वन सभी को ठीक है परफेक्ट सर पर इतना सिंपल एमसीक्यू इनकम टैक्स में आते हैं ये सिंपल है आधे बच्चे गलत करके आएंगे इसको आधे भी मैं कम बोल रहा हूं नाइनटी परसेंट बच्चे गलत करके आएंगे एंड एमसीक्यू सिंपल ही होते हैं अगर आए तो एमसीक्यू कभी हार्ड नहीं होते हार्ड कब होते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता अगर कॉन्सेप्ट पता है तो एमसीक्यू इजी आते हैं ठीक है सर सिर्फ एक साल ऐसा डिक्लेयर किया तो फिर केवल एक साल के लिए डोमेस्टिक होगी अगले साल के लिए वापिस से फॉरेन ठीक है जी परफेक्ट 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 चलो आगे चलते हैं सर फर्म फर्म का डेफिनेशन कर लेना एलएलपी वगैरह एओपी बी आप कर लेना इसमें उलझना नहीं है अपने को ठीक है असेसमेंट यह प्रीवियस ईयर अच्छा असेसमेंट यह प्रीवियस ईयर में केवल एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है आ, टीनू टीनू कैन यू अनम्यूट टीनू आप अनम्यूट करेंगे जी अनम्यूट करेंगे प्लीज हाँ जी सर अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है बट ऑफिस इंडिया में है बट वो कंपनी अगर डिक्लेयर करे तो डोमेस्टिक होगी अच्छा हाँ आपने बताया है लिख के ठीक है परफेक्ट है जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी फटाफट आ जाओ तीनू या तो आप आ जाओ या फिर रिमूव कर दें आपको या मैसेज लिख दो कि सर मैं लाइब्रेरी में हूँ चलो तानिया तानिया अनम्यूट करना यस सर जी टीनू बोला था आई एम इन लाइब्रेरी तान... टीनू का मैसेज आ गया मेरे पास नहीं नहीं तानिया आपको तो बुलाया है मैं मैसेज पढ़ रहा था मैसेज में आया कि सर हिनू बोला है कि टीना बोला है तो, टीनू बोला है ठीक तो, तो, है ओके okay, तानिया जी सर प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका प्रीवियस ईयर हमारा है 23 24 ओके एंड असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 24 25 परफेक्ट अब देखो तानिया इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा ही नाम प्रीवियस ईयर का नाम प्रीवियस ईयर क्यों पड़ा कभी मन में आया तानिया कि यार गवर्नमेंट कितनी पागल होगी ना जो करंट ईयर को प्रीवियस ईयर बोल रही है लगता है ना जी सर मतलब कितना कितना माल फूका होगा किसी ने तब जाके ये प्रोविजन बनाया होगा कि जो करंट ईयर है वो क्या है प्रीवियस प्रीवियस ईयर ताने लगता है ना एक बार तो मुझे बताओगे हाँ लग रहा है मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर मतलब दुनिया में एक्ट बनाने वाले ने ऐसा क्या फूका वो माल मुझे भी चाहिए चाहिए ना सर क्या हुआ होगा ऐसा रीजन बताऊ तानिया बोलो हाँ सर बताओ जी सर यस yes, सर बताओ तान्या प्रीवियस ईयर कोई डेफिनेशन ही नहीं थी प्रीवियस ईयर कुछ था ही नहीं केवल एक साल था जिसका नाम था असेसमेंट ईयर क्या नाम था बच्चा असेसमेंट ईयर अब सुनो मेरी बात तान्या आपने जो भी कमाई तेईस चौबीस में की है वो असेस कब होगी चौबीस पच्चीस में चौबीस पच्चीस में ये बात बिल्कुल परफेक्ट है ना तान्या जी सर जब तक साल खत्म नहीं होगा हम अपनी इनकम असेस नहीं कर सकते नहीं कर सकते सर इनकम और मौत का क्या भरोसा कब आ जाए ये सुनो है ना तो इनकम और मौत का कोई भरोसा नहीं है सर जब तक साल पूरा नहीं होगा तब तक इनकम असेस नहीं कर, सकते।, नहीं कर तो सकते तो तान्या ने मुझे यह बात बोली है और मैं तान्या की बात मान रहा हूं कि सर तेईस चौबीस की इनकम कब असेस करोगे चौबीस पच्चीस में तो सर नाम क्या पड़ गया असेसमेंट ईयर फिर किसी ने पूछा कि चौबीस पच्चीस तो असेसमेंट हो गया लेकिन उससे पहले वाला साल क्या तो इसने क्या बोला प्रीवियस एंड दिस इज रीजन इसका नाम प्रीवियस क्यों पड़ा इसका नाम प्रीवियस इसलिए पड़ा सर प्रीवियस ईयर का नाम प्रीवियस इसलिए पड़ा कई बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे मन में गालियां दे रहे होंगे कि सर बिल्डअप तो इतना किया था कि पता ही नहीं क्या बता देंगे और जब बताया तो ऐसा बताया डिविडेंड मतलब dividend? नहीं actual में प्रीवियस ईयर का नाम प्रीवियस ईयर इसलिए पढ़ा बिकॉज दैट कम्स प्रीवियस टू असेसमेंट असमेंट असेसमेंट ईयर ये असेसमेंट ईयर से एक साल पहले आता है इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा प्रीवियस ईयर अब मुझे केवल एक बात बतानी है आपको जो आपको एग्जाम परपज के लिए याद रखनी है तानिया वो ये जी. कि प्रीवियस ईयर क्या बारह महीने से छोटा हो सकता है क्या प्रीवियस ईयर बारह महीने से छोटा हो सकता है यस yes, सर हो सकता है सर क्यों क्योंकि तान्या सिंपल सी बात है अगर कोई कंपनी एक, एक मई को इनकॉपरेट हुई कब इनकॉपरेट हुई बच्चा एक मई को एक मई कंपनी इनकॉपरेट कब हुई एक मई दो हजार तेईस तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा वट विल बी द प्रीवियस 24 नहीं हा प्रीवियस ईयर विल बी इक्वल टू एक मई तेईस से लेके एक मई सॉरी एक मई तेईस से लेके इकतीस मार्च चौबीस सॉरी करेक्ट तो सर प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा एक मई से एक मई से क्यों क्योंकि एक मई से पहले कंपनी एक्सिस्टेंस में ही एक्सिस्टेंस में नहीं थी तो प्रीवियस ईयर कैसे हो सकता चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस क्या असेसमेंट ईयर एक साल से छोटा हो सकता है नहीं ये चीज किस किस को समझ आ गई जिसको समझ आ गई फटाफट से यस लिख के बताओ कि यस सर हमें समझ आ गया एमसीक्यू आएगा एग्जाम में क्या एमसीक्यू आएगा कि कैन प्रीवियस ईयर बी लेसर देन ट्वेल्व मंथ्स यस और नो यस कैन बी यस कैन असेसमेंट ईयर बी लेसर देन ट्वेल्व मंथ्स नो नो कैन असेसमेंट ईयर बी लेसर देन ट्वेल्व मंथ्स नो नहीं हो सकता नॉट पॉसिबल इज दैट ओके कैन प्रीवियस ईयर बी ग्रेटर देन ट्वेल्व मंथ्स नो नेवर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसने मुझसे यह पूछा कि क्या प्रीवियस ईयर बारह महीने से बड़ा हो सकता है उसने अकाउंट्स पड़ी हुई है क्या पड़ी हुई है अकाउंट और अकाउंट्स में यह बोला गया है कि अगर तीन महीने से कम में इनकॉपरेशन हुई है तो आप उसकी स्टेटमेंट अगले साल के साथ मर्ज कर दो ये yes no? जी यानी कि अगर कोई कंपनी एक जनवरी के बाद बनी है तो उसको तीन महीने के अकाउंट्स बनाने की जरूरत है? नहीं।, नहीं है वो चाहे तो पंद्रह महीने के अकाउंट एक साथ बना सकती बना है तो ये कॉन्सेप्ट क्या इनकम टैक्स में है आंसर इज नो अच्छा ये व्हाइट बोर्ड कौन ले आया यार प्लीज मत करो ऐसा व्हाइट बोर्ड कौन यूज कर रहे वन सेकेंड ओके परफेक्ट प्लीज मत करो वरना मैं निकाल दूंगा बाहर ठीक है हम्म ठीक है ये बात समझ आई यस सर चले आगे जी सर चलो जी आगे चलते हैं आगे क्या है बच्चा ये आपको समझ आएगी प्रीवियस ईयर कम हो सकता है असेसमेंट ईयर कम नहीं हो सकता ठीक है चलो ये एक बार छोड़ दो चलो जी अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ लेके प्रभु का नाम आई होप कि आप लोग जिंदा हो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि यस वी आर जिंदा यस yes. एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि हम जिंदा हैं फटाफट यस सर अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल और बाकी जो भी थ्योरी है वो घर पे पढ़ लेना नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है पढ़ लेना घर पे क्योंकि ज्यादा होमवर्क आज मिलेगा नहीं तो इसलिए प्लीज पढ़ लेना परफेक्ट सब म्यूट पे चले जाओ एवरीबडी सब म्यूट पे चले जाइए हाँ मजा आएगा अब आएगा इनकम टैक्स में मजा अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दू कि इनकम टैक्स जितना वास्ट है ना उतना ही मजेदार है एंड इसको कवर करना उतना ही आसान है मैं ये मानता हूं कि आपके लो ऑडिट अकाउंट्स एफएम एसएम कोस्टिंग इन सबसे छोटा है समझने के लिए इनकम टैक्स अगर आप इनकम टैक्स को समझ के पढ़ोगे तो इनकम टैक्स सबसे छोटा सब्जेक्ट है हाँ प्रोविजन बहुत ज्यादा है चीजें बहुत ज्यादा है बुक बहुत मोटी बनती है क्वेश्चन आंसर बहुत होते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई तो इनकम टैक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको दूंगा और मैं एक सेंटेंस बोलता हूं जो कि आपको ड्यूरिंग द बैच बताऊंगा सेंटेंस को रामबान बना लेना उस सेंटेंस को अपने जहन में बठा, बिठा लेना आपको इनकम टैक्स छोटा लगने लग जाएगा ठीक है आज नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा ठीक है चलो अब करते हैं चार्जिंग सेक्शन है? हम करेंगे सिया के साथ सिया आ जाइए एक मेरे फ्रेंड थे सिद्धार्थ मतलब फ्रेंड है सिद्धार्थ और एक उसकी वन साइडेड लवर थे रिया ठीक है तो वो अपने बच्चों के नाम रखते थे सिया ठीक है तो सिया जो है ना वो नाम ही मुझे के बड़ी वो आती है मतलब वो दिन याद आ जाते हैं बचपन के दिन आ जाओ सिया अनम्यूट कर सकते हैं सर जब इनकम टैक्स के प्रोविजन चार लोगों के बीच बोलने पे रोला जम जाता है ठीक है सिया लाइब्रेरी में हो आप डेफिनेटली यस सर सर yes, रवि भी लाइब्रेरी में है ओके <laughs> okay. uh, किसको बुलाए uh, नित्या नित्या कैन यू अनम्यूट फिर उसके बाद भव्या को बुलाएंगे भव्या या भाव्या दो मतलब होते हैं फिर उनको बुलाएंगे नित्या कैन यू अनम्यूट नहीं भव्या आ जाओ, भव्या, आ जाओ. भव्या कम भव्य या भाव्य वट एवर आई डोंट नो जो भी है प्लीज कम हेलो एम आई ऑडिबल यस सर यस सर हैंड रेस करवा लो अनम्यूट के लिए रेडी हो हाँ तो हैंड रेस किया था उन्होंने इसीलिए मैंने बुलाया है अगर नहीं आना है तो फिर ओके रत्नेश कम रत्नेश कम मैं कल से एक बंदा बिठाऊंगा एडमिन पैनल जो नहीं आएगा या रिप्लाई नहीं करेगा उसको वो रिमूव करेगा रतनेश, yes. आवाज आ रही है ठीक yes, yes, है स्टार्ट करें इनकम टैक्स मेन yes, चल रत्नेश सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स का मतलब समझ आया ना तुझे इनकम के ऊपर टैक्स समझ आया ना yes, yes, अब रत्नीश एक बात बताया या रत्नी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो उसका हाँ। बर्डन खुद को ही करना पड़ता है या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं खुद को जो बंदे कम इनकम कमा रहे हैं उनको भी सेम टैक्स लगा दें या जो बंदे कम इनकम कमा रहे हैं उनको भी कम टैक्स लगाना चाहिए और जो ज्यादा कमा रहे हैं उनपे ज्यादा लगाना चाहिए हाँ। स्टे करना चाहिए करेक्ट है यार रत्नेश इससे मुझे है ना एक डायग्राम याद आता है बना के दिखाऊं यस yes, सर। मेरी ड्राइंग बड़ी फेमस है है ना बच्चों को ड्राइंग बड़ी अच्छी लगती है मेरी एक डायग्राम याद आ रहा है तीन लोग हैं रत्नेश ये स्टेडियम है ये क्या है बच्चा स्टेडियम है ठीक है अब इनको स्टेडियम की टिकट नहीं मिली इनको क्या नहीं मिली स्टेडियम की टिकट नहीं मिली तीन लोग हैं कौन है एक दो और तीन। सर ये है? ये कौन है है चाचा चौधरी ये कौन है सर ये है पोपटलाल और ये कौन है सर ये है साबू है ना क्रोनोलॉजी देख रहे हो ना यस सर हाइट वाइज है ना अब रत्नेशवा ये स्टेडियम में मैच चल रहा है ठीक है yes, मैंने इनको बोला कि तीन सीढ़ियां कितनी सीढ़ियां मतलब मान ले चल बॉक्स है मेरे पास टोटल तीन और दो पांच और एक छह बॉक्स हैं टोटल कितने बॉक्स हैं बॉक्सेस मैंने बोला कि आपको मैं बॉक्सेस बॉक्सेस दे रहा हूं इक्वली आप इन के ऊपर खड़े हो जाओ और मैच देख लो भाई दीवार ऊंची होती तो है ना स्टेडियम की तो मैंने क्या बोला मैं आपको बॉक्स दे रहा हूं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और आप इनके ऊपर खड़े हो जाओ और मैच देख लो।, देख लो मैंने छह बॉक्स दिए दो दो चार और दो चाचा चौधरी जो थे चाचा चौधरी खड़े हुए उसके ऊपर क्या हो गया सॉरी चाचा चौधरी खड़े हुए और वो मैच नहीं देख पा रहे जो पोपट लाल था वो ऐसे देख रहा है ऊपर हो गए अरे कौन सा छक्का मारा अरे चौका मारा वाइट थी क्या वाइट थी क्या और जो साबू था वो मस्त मैच देख रहा है क्या ये इक्वेलिटी है क्या इसको तो, इक्वेलिटी इस तो, इस बोलेंगे रत्नेश तो, तो, तो। नहीं ये इक्वेलिटी नहीं तो, 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 सर एक सुप्रीम कोर्ट का केस लो है बहुत प्यारा केस लो है इक्वेलिटी किसे कहते हैं भेदभाव करने को ही क्या कहते हैं इक्वेलिटी सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या बोला वेन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोसाइटी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी दैट इज इक्वेलिटी इक्वेलिटी यानी कि भेदभाव करना ही क्या कहलाता है इक्वेलिटी अब मुझे बताओ अगर मैं अगर मैं जो चाचा चौधरी हैं, उनको मैं तीन बॉक्स दे दूं, कितने दे दूं? तीन बॉक्स तीन बॉक्स और साबू का एक बॉक्स हटा दूं। तो सर चाचा चौधरी भी मस्त देखेंगे पोपटलाल पोपट भी, भी मस्त देखेंगे, साबु भी देखें। यानी कि सर अपने जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस होते हैं उनको इनइक्वली डिवाइड करना इक्वली नहीं अन वो ही क्या कहलाती है इक्वलिटी तर कोरोना टाइम में गरीबों को फ्री में राशन दिया गया तो अमीर बंदा ये बोल सकता है क्या कि इक्वेलिटी नहीं है भेदभाव है नहीं okay. क्योंकि भेदभाव करना ही क्या कहलाता है सिमिलरली बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगता है इनकम टैक्स में कहा लगता है बच्चा Equality. अगर सबके लिए सेम टैक्स रख दें तो ये क्या इक्वेलिटी होगी no, सबके लिए टैक्स को ऊपर नीचे करना ही क्या कहलाती है Equality. ये बात समझ आई क्या सबको एक बार यस लिख के बताओ फटाफट सर इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इनकम टैक्स में क्या करने का सबको अलग अलग रेट पे टैक्स करने का सबको अलग अलग रेट पे टैक्स करने का इसी को क्या बोलते हैं क्योंकि अगर सबको सिमिलर टैक्स रेट पे कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी इनइलिटी सर वो इक्वेलिटी ना कहलाएंगे सर हायर इनकम से ज्यादा टैक्स लो और लोअर इनकम से कम टैक्स लो और सर इसीलिए स्लैब का इजाद हुआ, जन्म हुआ किसका जन्म हुआ स्लेवरेट. किसका जन्म हुआ बच्चा? जब भी को देखोगे, देख के उसको क्या, बोलोगे? तेरा हुआ, क्योंकि ने रखनी चाहिए. क्या रखनी चाहिए इक्वेलिटी नहीं रखेंगे तो क्या होगा जो लोअर इनकम ग्रुप है वो ज्यादा टैक्स देंगे और जो हायर इनकम ग्रुप है वो बोलेगा अरे मैं तो मजे ही मजे yes no? यस सुनो ठीक है जी चलो परफेक्ट अब चलते हैं आगे चार्जिंग सेक्शन छोड़ रहा हूं मैं ऑल दो रेगुलर बैच में मैं करवाता लेकिन अभी नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल ठीक है हम्म ये ये स्टेप्स स्टेप्स भी छोड़ दो अभी क्योंकि तो आपको धीरे धीरे वैसे ही समझ आ जाने वाले हैं ठीक है चलो अब हम डायरेक्टली चल रहे हैं इनकम टैक्स रेट पे चलो रत्नेश आ जाओ इनकम टैक्स रेट सबसे पहले इनकम टैक्स रेट कहा प्रिस्क्राइब है रत्नेश अच्छा मेरे नोट्स का रतने से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट है Important. देखो एक चीज का ध्यान रखना जब नोट डिटेल होते हैं तो कुछ लाइनें अन होती हैं लेकिन जब नोट्स कंसाइज होते हैं तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो देखना सबसे पहले रेट कहां बताई गई है का कौन सा पार्ट था वन ओ टू ओ थ्री ओ टू वन ओ थ्री कौन से थे बच्चा वन और थ्री कौन से वन एंड थ्री वन एंड थ्री टू में तो टीडीएस के रेट थे टू में किसके रेट थे टीडीएस yes, के वन में कौन से रेट yes. थे पिछले प्रीवियस ईयर और थ्री में कौन से थे करंट प्रीवियस ईयर करंट yes, प्रीवियस करेक्ट है तो सर वन और yes. थ्री फिनांस एक्ट का कौन सा पार्ट वन एंड पार्ट थ्री करेक्ट है yes, sir. चलो आगे चले प्लस इनकम टैक्स एक्ट में भी कहा बताई जाती है रेट रत्नेश uh, एमसीक्यू आएगा इनकम टैक्स की रेट कहां लिखी गई है ऑप्शन नंबर वन फिनास एक्ट ऑप्शन नंबर टू सब okay. लोग सुनना सब लोग सुन के आंसर करना सब लोग रत्नेश तू भी बॉक्स में आंसर करेगा डन है ऑप्शन नंबर वन चलो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स की रेट कहां लिखी गई है ऑप्शन नंबर वन फिनांस एक्ट ऑप्शन नंबर टू इनकम टैक्स एक्ट ऑप्शन नंबर थ्री बोथ ऑप्शन नंबर फोर नन रत्नेश का आंसर गलत है पूर्वा का आंसर गलत है हेमंत का आंसर गलत है दीपक का आंसर गलत है परफेक्ट मेरे को डायरेक्ट आंसर करो आ, ये तीसा गुन रत्नेश आप है ना मुझे डायरेक्ट आंसर करो आ, उस पर पब्लिक में आंसर मत करो है ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं डायरेक्ट डारेक, डायरेक्ट टू मी मैसेज डायरेक्ट टू मी बहुत वेरी गुड दोनों जगह लिखी गई है रत्नेश कहा लिखी yes, गई है दोनों जगह। दोनों जगह इनकम टैक्स एज वेल एज है जी ओके yes, अनिस okay. ऐसे नहीं करना ठीक है जो आपने किया वो नहीं करना है ठीक है चलो अनिस आ, आ जाओ अनम्यूट करना यस सर चल अनिस अब पढ़ते हैं इंडिविजुअल की टैक्स रेट किसकी इंडिविजुअल की देखो कौन कौन सा अनिस इंडिविजुअल एओपी और आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है इनकी क्या टैक्स रेट है दो है सबसे पहले कौन सी पढ़े बच्चा ओल्ड ओल्ड पूरा ओल्ड पढ़ लेते हैं ठीक है सर ओल्ड में तीन भागों में बांटा गया है एस एसी को कितने भागों में बांटा है तीन भागों में इंडिविजुअल को खासकर इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और साठ साल से कम है इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है वो सात से अस्सी के बीच में है और इंडिविजुअल जो अस्सी या उससे ज्यादा है ठीक है थीके? सर ओल्ड टैक्स रिजीम में कितने कितने भागों 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 में हाँ में 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 बांटा बांटा है है ओल्ड टैक्स रिजीम बच्चा तीन सबसे पहले इंडिविजुअल जो कि या रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है 60 और रेजिडेंट कौन से है बिलो सिक्सटी और एनआर एनी कोई भी एनआर है दूसरा क्या है बच्चा इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है और रेजिडेंट भी कौन से 60 plus, 80. और देन, कौन सा बच्चा तीन भागों में स्लैब को बांटा गया पहला स्लैब वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है लेकिन उनकी एज साठ साल से नीचे है नीचे है वो लोग जो कि नॉन रेजिडेंट है चाहे कोई भी एज हो दूसरा जो लोग रेजिडेंट है और उनकी उम्र साठ साल से लेके सेवेंटी नाइन ईयर इतनी साठ साल से लेके सेवेंटी नाइन और तीसरा अस्सी से लेके उसके ऊपर okay? तीन भागों में रेट को बांटा गया पहले सब पहले सबसे पहले किसको क्या बोला गया जो इंडिविजुअल या तो साठ साल से नीचे है या नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए क्या स्लैब लगेगी याद करो अनिस के बताओ सबको पे नील लगेगा फिर अगला दो लाख पचास हजार पे पांच परसेंट फिर पांच लाख पे बीस परसेंट और दस लाख पे तीस परसेंट दस लाख पे नहीं दस लाख के ऊपर ऊपर ठीक है इसको लिखने के दो तरीके हैं इसको लिखने का एक तो ये तरीका है जो नोट्स में लिखा हुआ है और दूसरा तरीका जीरो से लेके टू फिफ्टी तक नील कुछ भी नहीं नील और टू फिफ्टी से लेके फाइव तक फाइव परसेंट और फाइव से लेके टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और अबो टेन थर्टी परसेंट सर दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है आप कोई भी यूज करो दैट ओके परफेक्ट अरे वेरी गुड यार मजा ही या आ गया ये किस किस को याद नहीं हुई फटाफट याद करो आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड फटाफट से याद कीजिए सर ये भी याद नहीं होगी तो हम डूब के मर जाए नहीं नहीं फिर भी प्लीज अगर किसी को याद नहीं है कोई शर्म वाली बात नहीं है फटाफट से याद करो आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड्स टू लर्न इट ऑल टैक्स रिजीम ओनली तानिया कह रहे हैं सर वीडियो ब्लर हो रहा है तान्या एक बार को बाहर जाके वापस आ जाओ बाकी किसी को भी ब्लर हो रहा है क्या क्योंकि मेरे एंड पे नेटवर्क होगा तो अंग्रेजी थोड़ी खराब है मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ सो so, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है प्लस मुझे मजा हिंदी में आता है uh, किया नहीं है सो आई एम रियली वेरी सॉरी बीच बीच में होता है कभी यस समाइम्स ब्लर होता है नहीं अभी तो सही आ रहा है सर हम्म करेंगे इसका भी जुगाड़ करेंगे कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे एंड पे नेटवर्क इश्यू होगा शायद बैंडविड्थ सही नहीं आ रही है आई विल मेक श्योर कि कल की कल का लेक्चर बेटर हो चलो सबने याद कर लिया चलो जी अब हम एक काम करते हैं पूर्वा कैन यू अनम्यूट पूर्वा जी अनम्यूट करेंगे जितने लोगों का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही मजा आएगा पढ़ने में सब पूर्वा भी कभी लाइब्रेरी में तो नहीं बैठे हैं नो यस पूर्वा थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे वॉल्यूम तेज अपना yes. पूर्वा बोलो यस सर यस सर थोड़ा सा और यस yes, सर थोड़ा सा और इतु सा यस सर परफेक्ट हाँ पूर्वा अभी तक हमने क्या पढ़ा सर स्लैब रेट कौन सी सर नॉर्मल पर्सन जो एजीपी बीओआई पी ओल्ड ओ आई एच यू एफ स्कीम की ओल्ड स्कीम वेरी गुड पुरवा वेरी गुड अच्छा स्लैब क्या है फटाफट बता दो सबको फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे नील नेक्स्ट टू फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख टेन परसेंट नी ट्वेंटी परसेंट

सोल्व करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे तब मजा आएगा आप लोगों को मतलब मुझे लगा नहीं कि आप लोगों को समझ आया है पता नहीं क्यों नहीं लगा या तो आप ना लाए या मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया सर आप तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं तो हम ही ना लाए गए चलो एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल में क्या है ये है मिस्टर एक्स जिनकी एज है बच्चा फोर्टी फाइव ईयर्स कितनी एज है फोर्टी फाइव ईयर्स सर इनकी इनकम जो है टोटल इनकम जो है वो आपकी है आठ लाख बताओ टैक्स बताओ ओनली टैक्स कोई एच वगैरह कुछ नहीं ओनली टैक्स विदाउट एच एस विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस केवल टैक्स विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ओल्ड टैक्स रिजिम सर किसी बच्चे ने पूछा कि सर न्यू की ओल्ड ओल्ड टैक्स रिजिम कौन सा बच्चा ओल्ड टैक्स रिजिम सर ये नया टैक्स रिजिम क्यों आया सब बताएंगे मजा आएगा आप टेंशन मत लेना है ना जीवन में टेंशन नहीं लेने का प्राइवेटली, प्राइवेटली टाइप करो प्राइवेटली टू मी ओके very good, very good, very good, very good, अरे सबका सही है कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया प्लीज बता दो शर्माना नहीं है ना अपना बड़े भाई समझ के है ना अपने बड़े भाई समझ के सच्ची सच्ची बता दो कि सर मुझे नहीं आया सच्ची सच्ची बता दो सिया अनम्यूट करना बच्चा सिया का आंसर गलत है सिया अनम्यूट करना हेलो सर हाँ जी सिया आंसर आ गया आपका यस yes, सर क्या आया फाइव हंड्रेड कैसे आया Ya, मेरी हेल्प करना सबसे पहले क्या लिखू फर्स्ट फर्स्ट लाख आएगा बच्चा कैसा फर्स्ट ढाई लाख पे कितना टैक्स बनेगा Nail, Nail. अच्छा फिर क्या करूँ ढाई लाख से फाइव लाख फाइव लाख तक कितना बनेगा टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बच्चा फिर क्या करूं फाइव लाख टू एट लाख कितना बनेगा ओके 68000 ये सर कितना हो गया टोटल बच्चा 72000 72500 आपका कितना आया था तो सर 22000 कैसे ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सिया कहां रहते हो आप आपका स्टेट कौन सा है उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ वहां पे गंगा बहती है ना यस सर उत्तर प्रदेश में एक बार डुबकी मारना और पांच दस मिनट की बाहर मत मताना okay. लंबी डुबकी गंगा मैया मैं तेरे साथ चली ना के। ये कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इतनी बेसिक। मत कर यार है ना नहीं करोगे ना आगे से नो सर ये से आगे नहीं करेंगे यस सर, सर कैलकुलेशन मिस्टेक डुबा देगी पता है यार अगर मान लो सिया एग्जाम से पहले बीमार पड़ गए और एग्जाम फेल हो गए आप नहीं कोई और दुख नहीं होता क्यों क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं था लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए और फेल हो गए तो दुख होगा ना यस yes, कितना दुख होगा इतना सारा बहुत ज्यादा सर क्यों क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ना आए बीमार हो जाए पढ़ाई नहीं कर पाए चलेगा हम बोल देंगे कि हमारी गलती नहीं है सिचुएशन की गलती है लेकिन ये साला कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तब किसको बोलोगे और सिया लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दूसरों की गलती से अगर आप पीछे रह जाओ तो कोई बात नहीं दुख नहीं होता खुद की गलती से अगर पीछे रह गए तो बहुत ज्यादा ठीक yes, है ना तो ऐसी चीजें नहीं करनी है ठीक है वेरी गुड चलिए जी आगे चलें सिया एक और करेंगे क्वेश्चन और चैट बॉक्स में करेंगे है ना चलो ये है मिस्टर एक्स कौन है एक तो सिया कह रही है कि सर का पेन ही ना चले मजा आ जाए मिस्टर एक्स कौन है सिया मिस्टर एक्स सर क्या एज है इनकी एटी फाइव ईयर्स कौन है नॉन रेसिडेंट इनकी टोटल इनकम है बारह लाख साठ हजार फटाफट बताओ चैट बॉक्स में बोलेगा कोई नहीं फटाफट टैक्स बिफोर एचएससी टैक्स बिफोर एचएससी फटाफट मजा आएगा नॉट एप्लीकेबल सर बिकॉज़ रेसिडेंट इन एसेवल पे एप्लीकेबल होता है क्या बात कर रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं नॉन रेजिडेंट से टैक्स नहीं लोगे टैक्स तो लेंगे ना बच्चा ऐसे मत करो टैक्स बताओ ऐसे चीची बातें नहीं करते गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं ना टैक्स बताओ सर टैक्स तो लगेगा विदाउट एच एस विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन विदाउट सेदेससी टैक्स बताइए चैट बॉक्स में विदाउट एच एस टैक्स बताइए सर कोई मुझे पूछ रहा है कि सर स्लैब दिखा दो देखो बच्चा सिया आप भी देखो सिया स्लैब देखो ओल्ड टैक्स रिजीम कोई भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है या सिया क्या लिखा हुआ है रेजिडेंट और रेजिडेंट मतलब कि सर नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स देना होता है सर स्लैब क्या होगी बिल्कुल सेम स्लैब कौन सी होगी बच्चा बिल्कुल सेम जो अभी हमने पहले की थी बिल्कुल सेम हेमंत आप अपना आंसर रिवाइज करना चाहोगे हेमंत बबुआ आप अपना आंसर रिवाइज करना चाहोगे बाकी जितनों भी लोग हैं चौथी चौथी आप अपना आंसर रिवाइज करना चाहेंगे का आप अपना आंसर रिवाइज करना चाहोगे सिया का आंसर बिल्कुल सही है वेरी गुड हेमंत आपका आंसर अभी भी गलत है आपका आंसर अभी भी गलत है बच्चा हेमंत अभी भी रिवाइज करना चाहोगे आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं मैं चलो जी बाकी सब लोगों का आंसर ठीक आ गया चलो हेमंत आ जाओ हेमंत अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए बातें बातें करते हैं yes, हेमंत आपका तेरे साथ करता हूँ है ना फर्स्ट टू पॉइंट फाइव लैख पे क्या आया जीरो से ऊपर है तो हम उसकी वो नहीं लेंगे सुपर सीनियर हां नाइस हेमंत ने दिमाग तो अच्छा लगाया हेमंत लेकिन हेमंत एक बात बता यस yes, सर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है एन ओ ऑन द रेजिडेंटस तो नॉन रेजिडेंट को क्या तीन लाख वाली स्लैब मिलती है लिख सर वेलकम टू इनकम टैक्स इनकम टैक्स में आपका स्वागत है मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स करना चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, है. हेमंत क्या बोलता है बच्चा अगर ये एनआर है तो स्लैब कौन सी लगेगी टू पॉइंट फाइव के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है फटाफट चेंज कर फटाफट अपना आंसर चेंज कर यस yes, सर फटाफट अपना आंसर चेंज कर भाई yes, yes. फटाफट अपना आंसर चेंज कर भाई 10 लाख 90000 500 करो ना कितना आएगा 10 लाख 90000 500 क्या बात है सही आ गया तेरा भी मजा आ गया बात करके थैंक यू वेरी मच म्यूट कर सकते हो आप कहाँ uh, रहते हो हेमंत पंजाब से पंजाब तो आप तो बहुत पानी है, है ना तो जब मैं बोलू ना कि डूब मरो तो खेतों में डूब मरो खेतों में कुएं होते हैं ना है ना तो कभी जाना बाहर और अच्छा प्लीज ये रिकॉर्डिंग कट करके ऐसे अपनी सुसाइड नोट में मत लिख देना कि मैंने बोला था है ना ऐसे काम मत करना भाई ठीक है एक ही जिंदगी मिली है इसको अच्छे से मुझे तो जीना है आपकी अपनी मर्जी ठीक है चलो ये समझ आया अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्या करेंगे मिस्टर एक्स है म्यूट पे चले जाओ सब लोग फटाफट से अच्छा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है जो अपने आप को तीस मार खान समझता है, है ना मिलेंगे मई टाइम में कोई यहां पे अगर ऐसा है जो मूवी देखने आया है मैं पहले क्लियर कर दूं ये बात अगर कोई यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया है और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है मई ट्वेंटी फाइव में मेरा बैच आ रहा है जो यू वेरी मच मिस्टर वाई है जिनकी एज है 60, नहीं फिफ्टी नाइन ईयर्स ठीक है रेजिडेंट है इनकी इनकम जो है ना वो है चौबीस लाख पचास हजार कितनी है बच्चा चौबीस लाख पचास हजार निकालो लग जाओ काम के ठीक है देखो सीधी बात नो बकवास अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे अब अगर आपके पास रफ नोटबुक नहीं है अगर आपके पास टीचर के नोट्स नहीं है आप बेड पे बैठ के देख रहे हो टेबल नहीं है ठीक है या फिर आप ऐसे आ, मैं बताता हूँ कैसे ये बात ये गए पीछे ए, ऐसे मोबाइल ले, ले लेंगे हाँ मस्त अच्छा कर रहे है अरे वेरी गुड हाँ मेरा भी यही आया था वेरी गुड तो भैया अपने मई के लिए बैच आ रहा है कल से अभी से ज्वाइन कर लो ना लाइक ठीक है सबका आ गया यार ये तो इतनी उम्मीद तो मुझे नहीं थी टैक्स बिफोर सेफोर एच एस सी फाइव लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड अरे वेरी गुड वेरी गुड अब कोई एक बच्चा अनम्यूट करेगा कौन करेगा अभिषेक झा अभिषेक 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 अनम्यूट प्लीज 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 अभिषेक भी लाइब्रेरी में है अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके आसपास मम्मी पापा बातें कर रहे हैं भाई बहन खेल रहे हैं है ना हंसी खुशी से संयुक्त परिवार खुश परिवार प्लीज पढ़ाई के टाइम पे ये जो संयुक्त परिवार खुश परिवार है ना इसको साइड में रख दिया करो और एकांत में मेरी जब क्लास ले रहे हो एकांत में लिया करो हाँ जी संयम 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 आ जाओ संयम आ जाइए गुड इवनिंग जा। सर हाँ जी संयम यह संयम इजी है ना यस yes. इजी लग रहा yes, है ना यस सर है ना ज्यादा इजी है अच्छा सयम एक बात बता तूने टैक्स कैसे निकाला चौबीस लाख पचास हजार रूपये पांच रुपए की चॉकलेट नोट कर ले भाई एक डायरी डाल ले उस डायरी के अंदर पांच रुपए लिख ले पांच रुपए की चॉकलेट संयम के नाम की ठीक है ना संयम बिल्कुल सही आंसर कि सर दस लाख तक तो मुझे याद ही है और ये सबको याद करना है सर क्या याद करना है दस लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है सर एग्जैक्टली टेन लैख अगर आपकी टोटल इनकम एग्जैक्टली टेन लैख है तो हमेशा टैक्स कितना बनेगा एक लाख बारह पांच सौ एक बारह पांच सौ हमेशा निकाल के देख लो एग्जैक्टली टेन लैख के ऊपर जिसको डाउट है निकाल के देख लो भैया एग्जैक्टली टेन लैख के ऊपर कितना बनेगा एक बारह पांच सौ अरे जिसको डाउट है वो निकाल लो ना भाई मेरा क्या मुंह देख रहे हो सर आपका चेहरा देख रहे हैं क्यों देख रहे हो भाई ढाई लाख के ऊपर जीरो गया अगले ढाई लाख के ऊपर पांच परसेंट टू लैख फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई फाइव परसेंट एम प्लस अगले पांच लाख के ऊपर बीस परसेंट पांच लाख मल्टीप्लाई बाय बीस परसेंट एम प्लस एम आर सी क्या आंसर आ गया सर सबका आ गया तो यानी कि सर दस लाख रुपए इनकम पे हाँ जी बच्चा अनम्यूट करना किससे बातें कर रहे थे अपन भूल गया अभिषेक यस yes, सर अभिषेक दस लाख के ऊपर क्या बनता है तो सही एक लाख बारह हजार पांच सौ दस लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसका क्या कर दो तीस परसेंट तीस परसेंट सर ये भी कोई बताने वाली बात है बच्चे थोड़ा कोई बात नहीं सब लोग सब तरीके के बच्चे होते हैं तो यानी कि बच्चा आपने क्या किया होगा मैं अगर सही हूं अभिषेक तो मुझे बताना आपने क्या किया होगा दस लाख तक तो डायरेक्टली दिमाग में सोच लिया फिर आपने क्या किया बची हुई इनकम बची हुई इनकम का मतलब बच्चा चौदह लाख पचास हजार थर्टी परसेंट कर दिया विच केम टू फोर लैख थर्टी फाइव थाउजेंड और फिर आपने एड कर दिया एक बारह पांच सौ तो आंसर कितना आ गया फाइव फोर्टी सेवन 500. क्या बात है मजा ही आ गया नहीं चलेगा यस सर दौड़ेगा परफेक्ट बस यही बताना था अब चले आगे यस yes, चल आ, अब आई गई सिया सिया आ जाइयो सिया ने हैंड रेस किया था लास्ट टाइम आ जाओ अच्छा वॉलेंट्री आप हैंड रेस करके रख सकते हो है ना आई विल कॉल यू यू कैन रेज योर हैंड्स वॉलेंट्री हाँ जी सिया आ आगे या सौरभ आएगा सौरभ आ जाओ सिया आ गे, आ आगे ओके ओके सिया एक बार थोड़ा जोर से बोल दो यस यस आ गए हैं सर सर ओके सिया अब चलते हैं सेकंड टैक्स रेट सिया अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी उम्र कितनी है इयर्स एग्जैक्टली सिक्सटी अपू अपू सिक्सटी सेवनटी नाइन यानी कि एट्टी से एक दिन कम ओके यानी कि 60 से लेके इयर्स में एक दिन, दिन कम कम अगर आपकी ये 60 से लेके सेवेंटी तो कौन सी टैक्स लगेगी पढ़ो पे लगेगीसेंट नेक्स्ट फाइव लाख एंड अब ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउट टेन लाख थर्टी परसेंट इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं सिया पढ़ के बताना फर्स्ट फर्स्ट थ्री लाख नील टैक्स नेक्स्ट थ्री लाख टू फाइव लाख पे फाइव लाख पे ट्वेंटी आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया क्या बेनिफिट मिल गया कि जो पहले डाउट so, था उसको बढ़ा के कितना कर दिया थ्री लाख अब क्योंकि ढाई का तीन कर दिया तो यहाँ पे ढाई का दो इज दट ओके यस yes, ठीक है ओके चल एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना सिया एक और मेरे कहने पे मिस्टर एक्स है रेजिडेंट है 62 के हैं टोटल इनकम जो है कई बच्चे तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं ऐसे करके बैठे वो कि सर आप बताओ फटाफट फटाफट और अब yes. हंस भी रहे हैं ना लाइक वेरी गुड चलो देखते हैं पहले कौन आता है और लास्ट कौन आता है लाइफ इज अ रेस तेज नहीं भागोगे तो कोई तुझे कुछ के आगे निकल जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस आंसर बताओ मुझे और चैट बॉक्स में एट लैख सिक्सटी थाउजेंड चैट बॉक्स आपकी जो ये वाणी है ये सभी लोग सुन रहे हैं शिया सब लोगों को चीटिंग नहीं करवानी है ना yes, sir. क्या बात है सबका आंसर सही आया है अच्छा सिया आपने निकाला कैसे है? ये बताना एक बार सो बात लाख टू फाइव किया और मोर देन टेन लाख को मीन ट्वेंटी हमने थर्टी परसेंट कैलकुलेट किया सिया, प्रोसीजर सही है। लेकिन लंबा है क्या है बच्चा लंबा है इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता तो याद कर लेते, क्या याद से कर से लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly अगर टेन लाख कितना आपकी एग्जैक्ट रुपीज इनकम है तो टैक्स तो कितना बनेगा लाख लाख कितना परसेंट थर्टी परसेंट तो कितना गया आंसर एट लाख सिक्सेंड सिंपल है ना सर ऐसे याद करोगे हमेशा यस सर परफेक्ट वेरी गुड चलो जी आ, अब चलते हैं पूर्वा पूर्वा आ जाइए आप म्यूट पे चले जाइए सिया पूर्वा कम यस yes, सर अब पूर्वा हम तीसरा स्लैब देख रहे हैं क्या है इसका नाम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स दैट आर सुपर सिटीजन एज अपू इयर्स सुपर सुपर सीनियर सुपर सीनियर सुपर सिटीजन है सुपर मैन नाइस वेरी गुड हाँ. अच्छा साथ साथ में कुछ खाने का रखना है ना वरना भूख लगेगी थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का रखना बच्चा स्लैब तो बता दो स्लैब क्या है फर्स्ट फाइव लैख पे नील नेक्स्ट फाइव लैख पे ट्वेंटी परसेंट एंड अब थर्टी परसेंट सब वेट कर रहे हैं फटाफट बताओ चैट बॉक्स राउंड ऑफ कोई नहीं करेगा राउंड ऑफ कोई नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड नहीं हुआ है तो राउंड ऑफ कोई नहीं करेगा सैल्यूट <coughs> है सर सेल्यूट है सबको वेरी गुड सौरव आजा सौरभ आजा

सिक्स लेख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फाइव हाँ जी सर अच्छा एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चा हाँ जी सर अब बताओ सब लोग अब बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मजा ही आ गया यार ऐसे देख लेता हूँ ना आंसर तिरप्ति मिलती है तिरप्ति वेरी गुड यार वेरी गुड जिसको नहीं आया पूछ लो भाई क्योंकि जिनका आंसर आ रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है फटाफट पूछ लो इस मौसम में भी एसी चलानी पड़ रही है इससे ज्यादा क्या होगा दुनिया का चलो जी जिसको नहीं आया वो पूछ लो सबको आ गया वेरी गुड यार या सर यार आंसर कैसे निकाला रेजिडेंट वाला बताना एक बार सर रेजिडेंट के केस में सर हम और फाइव लाख तक तो सर नीली ही होता है और नेक्स्ट नेक्स्ट फाइव लाख पे ट्वेंटी परसेंट और नेक्स्ट पर थर्टी परसेंट यानी कि जो दस लाख की इनकम है उस उसपे एग्जैक्टली कितना टैक्स बनता है सर वन लाख और जो बची हुई इनकम है कितनी इसके ऊपर क्या लगा दो थर्टी परसेंट कितना आंसर आ गया � तो दोनों को क्या कर दो एड अच्छा एक बार बताऊ सच्ची सच्ची बताना कितने बच्चे ऐसे थे सबसे पूछ रहा हूं जिन्होंने एक लाख रुपया ऐड करना भूल गए कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अठारह लाख पचपन हजार पांच सौ पचास पे तो आंसर निकाल दिया एक लाख रुपया ऐड करना भूल गए रविराज थे ज्योति नेक्स्ट आप हो आप चैट बॉक्स में भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा हाँ जी रवि थे बस रवि के अलावा सबका सही था ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर एक लाख बारह हजार पांच सौ को बारह हजार पांच सौ एड कर दिया अच्छा एक लाख की जगह एक लाख बारह हजार पांच सौ कर दिया ओहो ठीक है ठीक है समझ गया सेकंड टाइम में एन के टाइम जल्दी में मिस कर दिया अच्छा मुकुंद ने सेकंड टाइम में और एक लाख बारह हजार पांच सौ मिस कर दिया चलो कोई बात नहीं चीजें समझ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना धीरे धीरे चीजों को समझ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है चले आगे चलो जी ठीक है अब ये सर्कुलर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सर्कुलर है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन आएगा ज्योति आ जाइए सबसे पहले तो ज्योति अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछो अदरवाइज इसको डिस्कस करते हैं हेलो सर हाँ जी ज्योति कोई डाउट है नहीं 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 ज्योति यस सर अपना देश आजाद कब हुआ था 1947 डेट 15 अगस्त uh, 1947 ज्योति को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ट्रिकी क्वेश्चन है अगर इसका आंसर, अगर ज्योति आपका इसका आंसर गलत होता मैं खुद आपकी वीडियो वायरल करता कर रहा हूं पंद्रह अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था करेक्ट है yes, ज्योति सोच के बता अगर हमारा देश पंद्रह अगस्त को आजाद हुआ था तो हमारे देश को तीन सौ पैंसठ दिन कब हुए पंद्रह अगस्त 1947 को अगर आजाद हुआ था तो तीन दिन कब कंप्लीट हुए आप बताओ इतने मैं म्यूट कर रहा हूं दो मिनट के लिए 14 अगस्त यस सर सॉरी हाँ क्या बोला आपने ज्योतिन अगस्त नाइन परफेक्ट बिल्कुल सही आंसर है चौदह अगस्त को हमारा देश तीन सौ पैंसठ दिन हो चुके थे आजाद हुए करेक्ट है yes. अब मुझे एक बात बता मान ले तेरा बर्थडे आता है एक अप्रैल उन्नीस सौ चौसठ को तो तुझे साठ साल कब कंप्लीट हो गए सिक्सटी इयर्स सिक्सटी इयर्स कब कंप्लीट हो गए अगर आपका जन्मदिन आता है एक अप्रैल उन्नीस को तो आपको साठ साल कब कंप्लीट हो गए बाकी सब लोग भी ज्योति एंड एवरी वन में 20 3 4 ट्वेंटी डेट डेट मार्च 2026 वेरी गुड वेरी गुड ज्योति बिल्कुल सही आंसर है ज्योति का आंसर क्या है सर कि मैं साठ साल की कब हो जाऊंगी इकतीस मार्च दो हजार चौबीस करेक्ट है ना करेक्ट है ना सर क्यों क्योंकि सिक्सटी फोर का जन्म है उसमें सिक्सटी एड करो तो क्या बनता है एक अप्रैल ट्वेंटी फोर लेकिन अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक अप्रैल का नहीं उससे पहले वाले दिन ही आप एक साल के करेक्ट है ना यस yes, तो सर यही तो है अब मुझे एक बात बता, अगर कोई इंसान एक अप्रैल को पैदा हुआ तो वो प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में कितना साल का माना जाएगा प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में कितने साल का माना जाना चाहिए साठ साल का साठ साल का लेकिन सर उसका जन्मदिन कब है सेलिब्रेट कब करता है वो उज टी फोर और एक अप्रैल कौन से साल का पार्ट है 23, 24. अरे नहीं, नहीं आ रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि एक अप्रैल 2024 कौन से ईयर का पार्ट है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव लेकिन वो साठ साल का कब माना जाएगा थर्टी ट्वेंटी थ्री सर ये क्लेरिफिकेशन समझ आया क्या सर yes, मैंने आपको जब ज्योति बेसिक पढ़ाए थे तब तो मैंने आपको एक चीज बोली थी सर्कुलर मैं बताऊंगा क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ yes. ये एक सर्कुलर है ये क्या है बच्चा सर्कुलर सर्कुलर है अब मुझे एक बात बताओ ये सर्कुलर बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है असेसी के लिए बेनिफिशियल बेनिफिशियल है है आप खुद सोचो ज्योति अगर आपका जन्मदिन एक अप्रैल उन्नीस को आएगा तो आप प्रीवियस ईयर चौबीस में क्या माने जाओगे अरे ज्योति क्या डाउट है क्या गलत पढ़ा दिया गया मैंने अगर तेरा जन्मदिन एक अप्रैल उन्नीस को आएगा तो तू प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में क्या मानी जाएगी सीनियर सिटीजन क्या मानी नागी जाएगी बच्चे क्या हो गया इतना हड़ हाँ था मानव अनम्यूट करना यस सर समझ आया यस सर क्या समझ आया सर की जो सर्कुलर है उसने नोटिफाई कर दिया कि जो भी अब नोटिफाई नहीं क्लेरिफाई नोटिफाई नहीं क्लेरिफाई कर दिया कि जो हमारा ये प्रीसीडिंग ईयर जो खत्म होगा उसमें सीनियर सीनियर सिटीजन ट्रीट किया जाएगा जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेंगे नहीं सर्कुलर ने ये क्लैरिफाई किया कि जिसका जन्मदिन एक अप्रैल को आता है उसका यस yes, एक sir. साल कब कंप्लीट माना जाएगा उससे एक दिन पहले वापस से सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई किया कि इफ पढ़ के बता एक बार If birth date of individual is फर्स्ट अप्रैल ही अगर किसी इंसान का जन्मदिन एक अप्रैल को है तो ये इकतीस मार्च को ही उसको मान लिया जाएगा कि वो साठ साल का या yes. साल का हो गया yes, sir. अच्छा ये सर्कुलर उन लोगों को लगेगा जो जिनका जन्मदिन दो अप्रैल है नो no, सर नहीं क्योंकि मान ले मान ले तेरा जन्मदिन दो अप्रैल को आता है तो अगर इस सर्कुलर को मैं लगाऊंगा अगर मैं इस सर्कुलर को अप्लाई करूंगा तो तेरा बर्थडे कौन April. सा बनेगा first कौन first सा April. बनेगा बच्चा एक अप्रैल उन्नीस दो हजार तो, तो सर ये तो अभी भी प्रीवियस ईयर कौन सा है 24, 25. तो सर ये सर्कुलर केवल एक की केस में लगता है जिसका जन्म एक अप्रैल तो दो हजार नहीं एक अप्रैल को वो ये बदलती रहेंगी रे अगले साल के लिए मैं कर दूंगा इसको उन्नीस सौ पैंसठ हाँ जी सर अगले साल जब मैं पढ़ाऊंगा ना अपडेटेड बुक मई वाली तो उसमें क्या लिखा 1965 1965 तो ये मेरे से याद करो याद क्या करना है कि एक अप्रैल का जिसका जन्म है उसको थर्टी फर्स्ट मार्च को ही क्या मान लिया जाएगा सीनियर सिटीजन इज दैट ओके यस सर और अगर एक भी दिन सीनियर सिटीजन हो गए तो पूरे साल सीनियर सिटीजन ये वेरी गुड so, तो सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिस्टर एक्स है जो कि रेजिडेंट है म्यूट पे चले जाओ मिस्टर एक्स is... ai... है जो कि रेजिडेंट है जिनका जन्म डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है म्यूट पे चले जाओ बच्चा डेट ऑफ बर्थ है एक अप्रैल उन्नीस ठीक है जी इनकम है टोटल इनकम है सोलह लाख टैक्स बताओ चलो बताओ सब लोग टैक्स बताओ फटाफट फटाफट टैक्स बताइए एवरीबडी एवरी वन टैक्स बताइए मिस्टर एक्स है जो कि रेजिडेंट है जिनका डेट ऑफ बर्थ है एक चार उन्नीस सौ चौसठ टेक्स बताओ टैक्स तो, हाँ। बताओ जिनका जन्मदिन है एक चार उन्नीस सौ चौसठ प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस का टैक्स बताना है प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस का टैक्स बताना है प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस का टैक्स बताना है और मेरा आंसर आ गया है मेरे पास आंसर आ गया है मेरे पास म्यूट पे चले जाओ बच्चा जो भी अनम्यूट है प्लीज अपना माइक चेक करो कोई तो एक बच्चा अनम्यूट है प्लीज अपना माइक चेक करो म्यूट पे चले जाओ बच्चा क्या यार इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो आप मैंने इतना स्टार्टिंग में बोला कि मोबाइल यूज नहीं करने का अपना ध्यान नहीं भटकाने का चलो जी टू लाख नाइन्टी सर टू लाख नाइन थाउजेंड वेरी गुड सर कैसे आया सर हमने तो एमसीक्यू चीटिंग की थी कैसे आया? ,00 पे सर. आपने कौन सी लगाई? Senior citizen. कौन सी सी लगाई? लगाई? चलो ये हो गया हमारा ओल्ड टैक्सिम खत्म किसी को कोई डाउट तो पूछो अच्छा एक बात बताओ अब डाउट पूछो चैट बॉक्स में और एक बात बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मोबाइल नहीं चेक किया एक बार यस लिख के बताओ या मोबाइल नॉट चेक मोबाइल को देखा भी नहीं अभी तक वेरी गुड एक दो तीन चार झूठ नहीं बोलना पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस यस सर मोबाइल नोट चेक तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस मजा आ गया यार सर आप गिनती गिन रहे हो या सच में इतने मैसेज आ रहे हैं वो मेरे ऊपर है एक फायदा होता है जब डायरेक्ट मैसेज आते हैं तो आपको नहीं पता कि क्या मैसेज आ रहे हैं आई कैन लाइक राइट चलो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मोबाइल चेक नहीं किया वेरी गुड करना भी नहीं है ठीक है ना वेरी 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 गुड और ये जो एटीट्यूड है ये अपने को नेक्स्ट थर्टी फाइव लेक्चर्स तक ऐसे ही रखना है तोड़ना नहीं है है ना पक्का पक्का प्रोमिस है तोड़ना नहीं है ठीक है परफेक्ट है वेरी गुड अब क्या करें अब न्यू टैक्स रिज्यूम करेंगे किसी को ब्रेक चाहिए तो बोल देना मुझे तो नहीं चाहिए किसी को ब्रेक चाहिए तो बोल देना क्योंकि दिमाग थकने वाला कोई चीज था नहीं नहीं ना सब बातें बातें कर रहे हो टाइम का, का ब्रेक ठीक है अभिजीत कैन यू अनम्यूट अभिजीत लाइब्रेरी में हो या अनम्यूट कर सकते हो अच्छा अपने पास केवल बीस मिनट बचे हैं ओह माय गॉड दो मिनट दीजिएगा जस्ट वन सेकेंड हाँ जी हम क्या कर रहे थे कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करो फटाफट हट. कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करो मेरी वीडियो अभी आ नहीं रही है आ जाएगी मनी वाला यस yes, एक बार जोर से बोलो यस सर यस सर परफेक्ट हम्म ठीक है आ गई तो कौन है एक बार नाम बताओगे किसने अनम्यूट किया है सिया सिया हाय सिया चलो सिया अनिश अभिषेक इनके यार चार पांचों के नाम तो याद हो गए मुझे और भी हाँ। दो तीन है मानव अनिश चलो ठीक है न्यू टैक्स रिजीम सिया अब अब मन कौन सी चल रहे हैं टैक्स तो 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 सबसे पहले जो तो डाउट आता है ये दो टैक्स रिजीम आई क्यों कहीं कहीं को, को? क्यों जब हम सीए बने थे तो दो टैक्स रिजीम जब आप सीए बनने की तगर, तगार पे हो जब आप सीए बनने वाले हो तो ये दो टैक्स रिजीम क्यों बताऊ सी पूछो ना सी आपसे बोलो क्यों सर हाँ देखो पूछोगे नहीं तब तक, तक आंसर कैसे पता चलेगा है ना देख सिया तूने इनकम टैक्स पहले पढ़ा है थोड़ा सा भी यस सर तुझे पता है डिडक्शन का एक चैप्टर होता है हाँ सर डिडक्शन का चैप्टर पता है ना यस सर अगर आपने ये किया तो इतना डिडक्शन दे देंगे दे दे दे, ये किया तो इतना दे देंगे दे दे, ये किया तो इतना दे देंगे ये किया तो इतना दे देंगे दे, और लास्ट में जाते जाते ऐसे हो जाता है कि क्या करें कि कितना मिले है ना सब पूरा एटीसी टी सी मिक्सअप हो जाता है टॉप मिक्स हो जाता है सर 80c 80d 80e 80w 80td 80b 80d 80 कौन सा आता है फिर g g g a g g b है ना w w a q q b r r b क्या सर गवर्नमेंट ने बोला काई को क्या बोला गवर्नमेंट ने काई को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया है टैक्स को क्यों कर रहे हो इतना कॉम्प्लिकेट क्या मिल रहा है आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके गवर्नमेंट ने बोला सब कुछ हटा रे नई टैक्स रिजीम लेके आओ क्या लेके आओ नई टैक्स रिजीम अब देख सिया गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे या तो गवर्नमेंट बोल देती कि अगले साल से ओल्ड टैक्स रिजीम गई और सबके सब न्यू न्यू टैक्स रिजीम उससे क्या होता गवर्नमेंट पलट जाती सर लोग गुस्सा हो जाते अच्छा फन फैक्ट 140 करोड़ की जनता में केवल डेढ़ करोड़ लोग टैक्स भरते हैं और गालियों जनता के टाइम पे गाली कितने देते हैं एक सौ पचास करोड़ फन फैक्ट है ये 140 करोड़ की जनता में केवल डेढ़ करोड़ लोग टैक्स भरते हैं रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स तो 80 लाख लोग ही भरते हैं केवल डेढ़ करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं और गालियां कितने देते हैं पूरे के पूरे एक सौ चालीस करोड़ अरे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अरे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया टैक्स लैब कम नहीं की डिडक्शन नहीं दिया अरे हम तो मर गए रे तूने लास्ट टाइम रिटर्न भरी थी नहीं भरेगा नहीं तो क्यों रो रहा है चलो यानी कहने की बात ये है कि सेंटीमेंट्स लोगों के हाम हो जाते हैं यस और नो यस सर तो गवर्नमेंट ने क्या किया एक काम करते हैं दोनों को पैरेलल चलाते हैं क्या करते हैं पैरेलल यूज करते हैं पैरेलल ही यूज करते हैं दोनों में ऑप्शन दे देते हैं एसएससी को या तो ओल्ड या न्यू यस और नो यस सर तो ये है सर न्यू स्कीम आने का लोचा अब जब न्यू स्कीम आई तो ओल्ड भी चल रही।, रही है पैरेलली चल रही है अब मुझे एक बात बता। मैंने जैसे सिया बोला कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन का लफड़ा खत्म खत्म तो मुझे एक बात बता अगर न्यू टैक्स रिजीम में सेम स्लैब रख दें तो टैक्स ज्यादा बनेगा कि कम अ ज्यादा बनेगा तो डिरुण डिरुण बने नहीं क्योंकि डिडक्शन से मिलेगा क्योंकि डिडक्शन नहीं दी क्या बात है यार ये तो इंटेलिजेंट लड़की है तेरे से बात नहीं करेंगे अगर तेरे से बात करेंगे तो बाकी सब कहां जाएंगे जो अपने आप को सबसे डफा समझता है आ जाओ जो ये कहता है सर मुझे कुछ नहीं आता मेरे अलावा अब कोई नहीं आएगा एग्जाम में इनके 35 नंबर भी नहीं आ रहे नालायक कौन आएगा कोई भी नहीं ऐसा इंटेलिजेंट लोगों से बात करने में क्या है जल्दी जल्दी क्लास ओवर हो जाती है अच्छा नहीं लगता अब मैं किसी को बोलूंगा तो उसको बेजती लगेगी है ना मैं जानता नहीं हूं किसी को भी तो मैं किसी का भी रेंडम नाम ले रहा हूं कोई तो होगा ऐसा नहीं है क्या भावना कैन यू अनम्यूट भावना जी अनम्यूट कर सकते हैं हेलो सर यस भावना मैंने क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन ये था कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड नहीं है तो टैक्स रेट ज्यादा बनेगा कि कम टैक्स कितना सर, बनेगा ज्यादा बनेगा कि कम सर टैक्स तो ज्यादा बनेगा ज्यादा बन जाएगा क्यों क्योंकि डिडक्शन है नहीं है मुझे बात भावना तेरे पास दो प्लेट है एक प्लेट में एक लड्डू एक प्लेट में पांच लड्डू कौन सी प्लेट लीजिए पांच है, पांच लड्डू सर ऐसा कभी होता है क्या कि एक रिजिम में टैक्स ज्यादा बन रहा है एक रिजिम में टैक्स कम बन रहा है तो हम क्या कभी ज्यादा वाली को चूज करेंगे सर। नहीं सर तो गवर्नमेंट ने बोला ये हम भी समझते हैं पागल नहीं है इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने स्लैब में टैक्स रेट है? कम कर दी क्या कर दी बच्चा सर कम कर दिया टैक्स टैक्स रेट रेट कम कर सर, रेट कम कर 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 दी क्या दिया सर सर के के बताओ भावना बढ़ के बताओ भावना सबको फर्स्ट थ्री लाख पे जीरो लगेगा परफेक्ट सर याद कैसे करेंगे तीन तीन का गैप है और पांच पांच का गैप है और जब पंद्रह हो जाए तो पंद्रह के ऊपर तीस याद रखोगे यस yes, सर जब पंद्रह लाख इनकम हो जाए तो उसके ऊपर तीस परसेंट और बाकी सब में क्या करना है पांच पांच का गैप है सर सब लोग सब लोग याद करेंगे कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो याद नहीं करेगा एवरीबडी विल यूज चैट बॉक्स सब लोग चैट बॉक्स का यूज करेंगे सब लोग लिखेंगे अप टू थ्री लैख जीरो थ्री टू सिक्स फाइव परसेंट सिक्स टू नाइन अनिश कह रहा है सर मैं चैटबॉक्स भरी दूंगा आपका भर दे भर दे भाई कोई बात नहीं एक, एक करके लिख तू बस लिख अपू थ्री लैख जीरो टू सिक्स लैख फाइव परसेंट सिक्स टू नाइन टेन परसेंट नाइन टू ट्वेल्व फिफ्टीन परसेंट ट्वेल्व टू फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट और फिफ्टीन से अबो थर्टी परसेंट वेरी गुड तीनू आपने एक जीरो ज्यादा लगाया है आपने एक जीरो शायद ज्यादा लगाया है नहीं सही है नहीं सही है सही है सही है नौ सौ के सही है सही है परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है वेरी गुड चलो सबको याद हो गई अच्छा इसमें सीए एक बात बता सॉरी ज्योति है ना अभी लाइन पे नहीं भावना भावना ओके यस yes. भावना एक बात बता क्या यहाँ yes, पे नॉर्मल सिटीजन रेजिडेंट सिटीजन सीनियर सिटीजन नॉन क्या बोलते हैं सुपर सीनियर कोई भेदभाव है सर होगी सर न्यू टैक्स रिजिम मतलब सिंपल टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम मतलब सिंपल टैक्स रिजिम सर अगर सिंपल टैक्स रिजीम है तो उसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहिए सर न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद में हमारे सीईओ का धंधा कम हो गया सर कैसे कम हो गया सैलराइड आता है सैलरी वाला बोलता है भैया टैक्स बचाओ टैक्स बचाओ हम बोलते हैं भैया क्या क्या है भैया इन्वेस्टमेंट की हुई है भैया मेडिकल लिया हुआ है भैया एच है सब कुछ करके और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कम बनता है फिर हम बोलते हैं भैया न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कम बन रहा तो है ओल्ड में ज्यादा बन रहा है तो बताओ वो क्या बोल के जाता है ठीक है सर मैं खुद ही कर दूंगा क्या बोल के जाता है ठीक है सर मैं खुद ही कर दूंगा तो हमारा आधे घंटा क्यों खराब किया तो सर हमने तो नोटिस लगा दिया बार कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट जानने के लिए पांच सौ रुपए जमा कराए <laughs> क्योंकि क्यों सर रिटर्न तो खुद ही बनना है आपको तो कम से कम पांच सौ एंट्री फीस तो सर तो सर न्यू टैक्स रिजीम इज एक्चुअली तो okay? तो तो अच्छा, चेंज हो गई है मई दो हजार पच्चीस वालों के लिए ये टैक्स रिजीम चेंज हो गई है क्या बात कर रहे हो सर सच में हाँ अच्छा क्या क्या अलाउ नहीं होता क्या क्या अलाउ नहीं होता एक बार भावना बस पढ़ दो मेरे लिए याद नहीं करना है केवल रीडिंग कर दो क्या क्या अलाउ नहीं होता सर स्पीड नेटवर्क इशू आ रहा है क्या रहेगा सर लीव ट्रैवल कंसंसन हाउस रेंट अलाउंस स्पेशल अलाउंस डेली अलाउंस और एक्जेम्प्शन ऑन माइनर्स इनकम इंक्लूडेड इन पेरेंट्स इनकम टैक्स लीडे फॉर

डोंट वरी पढ़ेंगे सो इतना सब कुछ अलाउ नहीं होता हाँ भाई सिंपल हो गया ना क्या हो गया बच्चा सिंपल Simple सर अगर न्यू टैक्स रिजिम का क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले एक नारियल लेके जाना और नारियल फोड़ना इंडिविजुअल लेटर के सर पे नहीं नीचे कि हे भगवान न्यू टैक्स रिजिम का क्वेश्चन आ गया हे प्रभु बहुत अच्छा हो गया क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ सोचने का ही नहीं है जितने भी सैलरी के एग्जाम्शन है सारे कुछ नहीं मिलेगा सर। चलो अब आगे चलते हैं हाँ। अब देखो ये चीजें समझाने के लिए शायद आप अभी छोटे हो तो एक काम करो लिख लो इन सेट ऑफ क्या लिख लो इन सेट ऑफ कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे के चैप्टर में के चैप्टर में।, में सर ये पढ़ेंगे हम पी, पी में ये पढ़ेंगे हम ये तो कुछ भी नहीं है ठीक है ये पढ़ेंगे हम पीजीबीपी -पी में ठीक है जी हाँ ये अभी मैं पढ़वा सकता हूँ ये अभी पढ़वा सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है और इसकी एक कहानी सुनाऊंगा बहुत बढ़िया चलो जी पूर्वा कैन यू अनम्यूट और बाकी सब म्यूट एवरीबडी म्यूट चार हजार रुपए मिट्टे जाओ फटाफट जाओ रियलमी हाँ हो गया म्यूट हो गया चलो जी आ जाओ हेलो यस पूर्वा चले आगे यस सर या पूर्वा एक बात बता क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ईयर में आपका न्यू बेनिफिट है एक ईयर में ओल्ड बेनिफिट है यस yes, सर कभी कभी न्यू कभी कभी ओल्ड पॉसिबल तो है यसो नो यस सर कभी तो ओल्ड बेनिफिट होगा कभी न्यू बेनिफिट होगा गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको कभी ओल्ड कभी न्यू कर लो मना नहीं करेंगे हम मना नहीं करेंगे यानी कि पूर्वा मुझे बताना अगर आपने तेईस चौबीस में ओल्ड ले लिया तो क्या आप प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस में न्यू ले सकते हो हाँ और क्या प्रीवियस ईयर पच्चीस छब्बीस में ओल्ड ले सकते हो पूर्वा डरो मत बताओ नो no, सर हाँ, हाँ। तो बताना मैं जैसा बोल रहा हूँ चलना हाँ ले सकते हैं ओके okay. यस yes. क्या प्रीवियस ईयर छब्बीस सत्ताइस में ले सकते हैं न्यू हाँ yes, क्या प्रीवियस ईयर सत्ताइस सत्ताईस में ओल्ड ले सकते हैं हाँ मतलब कि पूर्वा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर एक साल आपने न्यू टैक्स रिजिम में दिया तो आप अगले साल में ओल्ड में दे सकते हो अगले yes, साल न्यू में दे सकते हो अगले साल वापस ओल्ड में दे सकते हो चाहो तो न्यू में भी दे सकते हो कहने का मतलब देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चेंजिंग दिजीम करेक्ट है यस yes, सर ये बात बिल्कुल करेक्ट है लेकिन एक बंदे को लेके करेक्ट नहीं है कौन पीजीबीपी किसको लेके पीजीबीपी अगर आपकी इनकम पीजीबीपी की है तो ये आपको जो चेंज करने का ऑप्शन है ये ज्यादा नहीं देंगे एक बात तो देंगे लेकिन ज्यादा नहीं देंगे सर नहीं समझे क्या बोल रहे हो वापिस से बच्चा सब लोग सुनना मेरी बात एवरीबडी एवरीबडी वेरी केयरफुली सुनना मेरी बात सबसे पहले मुझे ये बताओ अगर एक असेसी कभी न्यू कभी ओल्ड कभी न्यू कभी ओल्ड कभी, कभी, कभी न्यू 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 ओल्ड ले सकता है सब लोग यस लिख के बताओ सब लोग यस लिखो चैट बॉक्स में अभी, की अभी। कि सर एक प्रीवियस ईयर में ओल्ड एक प्रीवियस ईयर में न्यू वापिस से ओल्ड वापिस से न्यू वापिस से ओल्ड वापिस से न्यू कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक केस में दिक्कत है कौन सा केस पीजीबीपी पीजीबीपी सर अगर आपकी पीजीबीपी पी की इनकम है तो ये हम खेल आपको खेलने नहीं नहीं देंगे।, देंगे सर क्यों सर हमने तो ये तो सुना था कि नहीं देंगे बट क्यों? सर कारण बता देता हूँ पूर्वा सुनो मेरी बात यस yes, सर जब आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम लेते हो ना बच्चा तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है yes, sir. New में अलाउ नहीं होता फिर वापिस से ओल्ड में होता है न्यू में अलाउड नहीं होता इतना ही नहीं पूर्वा अगर आपका पिछले सालों का लॉस है और उसके अंदर अगर एडिशनल एप्रीसिएशन है तो वो लॉस भी अलाउ नहीं होगा नहीं होता न्यू में यस अब सर। मुझे एक बात बता पुरवा अगर पीजीपीपी वाला न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड खेलेगा तो गवर्नमेंट के तो तोते उठ जाएंगे क्यों उठ जाएंगे क्योंकि जब न्यू में फाइल कर रहा है तो एडिशनल डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं कर रहा मतलब पिछले सालों का भी अलाउ नहीं हो रहा नहीं जब ओल्ड में जा रहा है तो पिछले सालों का भी अलाउ होगा और इस साल का भी अलाउ होगा अलाउ होगा लेकिन जब आपने न्यू की टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल की थी तब तो टेबल खाली थी यस सर तो कौन सी टेबल डेप्रीसिएशन की टेबल एडिशनल डेप्रीसिएशन जब एडिशनल डेप्रीसिएशन की टेबल खाली थी तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो क्योंकि कंपेरिटिव अवेलेबल ही नहीं है सर ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है पीजीबीपी के ऐसे पांच छह डिडक्शन है स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं अलाउ होता न्यू में तो अगर कोई इंसान न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड खेलेगा तो गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिलेगा और जब गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिलेगा तो आप तो बच जाओगे यस यसो नो यस सर जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है नहीं आया अपने को क्या प्रोविजन सुन लो प्रोविजन क्या है प्रोविजन ये है कि अगर आप अच्छा बाय डिफॉल्ट कौन सा है बच्चा अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा है प्रीवियस ईयर 23 24 아니 리짐 कौन सा है अभी न्यू है न्यू रिजिम है तो अगर आपने न्यू को छोड़ के क्या लिया ओल्ड ओल्ड तो आप एक बार ओल्ड ले सकते हो अब अगले साल अगले साल अगर आपने क्या ले लिया न्यू स्कीम तो क्या उसके अगले साल आप ओल्ड में जा सकते हो नो no, सर अगर पीजीपीपी में है तो लो no. अगर पीजीपीपी कंटिन्यू है तो आप कभी भी ओल्ड में अबे नहीं जा सकता यानी कि आपको दो बार ऑप्शन दिया गया पहली बार ऑप्शन बाहर जाने का पहली बार ऑप्शन बाहर जाने का दूसरी बार ऑप्शन अंदर आने का और बाद में गेट बंद बंद सर कैसे याद करेंगे ऐसे याद करेंगे कि ये एक कमरा है इस कमरे में ये गेट है ये एक कमरा है ठीक है इस कमरे में ये गेट है ये है ओल्ड और ये कमरा क्या है न्यू अगर कोई इंसान न्यू में बैठा था कहां बैठा था न्यू में बाय डिफॉल्ट कहां बैठा है इंसान न्यू में न्यू में पता है ना ये पूर्वा बाय डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है न्यू न्यू अगर कोई इंसान न्यू टैक्स रिजीम में बैठा था तो वो एक बार कहां जा सकता है ओल्ड में ओल्ड में अगर वो ओल्ड में आ गया मतलब कमरे से बाहर आ गया अगर वो कमरे से बाहर आ गया तो क्या कमरे का गेट बंद हो जाएगा यस सर नाइन नहीं नहीं सर एक गलती तो माफ चलती है यानी कि अगर वो कमरे से बाहर हो गया तो कमरे का गेट अभी बंद नहीं, नहीं होगा हो अगर वो कमरे में वापस आ गया अगले साल तो क्या कमरे का गेट बंद हो जाएगा यस सर यस यानी कि असेसी एक बार ओल्ड में जा सकता है फिर ओल्ड से किस में आ सकता है न्यू में और फिर अगर न्यू में आ गया तो गेट बंद अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर करना प्रीवियस ईयर बाईस तेईस में न्यू में था प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में उसको लगा कि ओल्ड ज्यादा अच्छा में. है तो वो किसमें चला गया प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस में वो ओल्ड में है प्रीवियस ईयर पच्चीस 27 में वो किस में आ गया न्यू में. में आ गया अब मुझे बताओ 27 अट्ठाईस में उसके पास कौन सा ऑप्शन है न्यू में सब लोग बताएंगे ओनली न्यू कौन सा ऑप्शन है बच्चा ओनली न्यू ओनली न्यू क्योंकि सर प्रोविजन पढ़ो प्रोविजन क्या बोलता है कि एक बार आपने गलती की मतलब ओल्ड में आए कोई बात नहीं वापिस से न्यू में आए कोई बात नहीं कोई बात। अब अब न्यू में रहना समझेगी नहीं यस yes, सर समझ गए ना अब ये वापिस कभी भी ओल्ड में नहीं जा सकता हाँ लेकिन क्या अगर इसका पीजीबीपी का इनकम बंद हो जाए तो, तो जा सकता है यस सर अगर इसका पीजीबीपी का इनकम बंद हो जाए तो ये वापिस से ओल्ड में जा सकते सर वापिस से देखो अब प्रोविजन देखो प्रोविजन पढ़ना मेरे लिए एक बार बच्चा एक बार भावना भावना ही है ना पूर्वा पूर्वा भावना पूर्वा सिया आ, सिया एक दो भी और भी थे चलो याद हो जाएगा कोई बात नहीं आ, uh, प्रोविजन पढ़ना बच्चा मेरे लिए पूरा अच्छे से एक द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम एसएससी एस हैविंग पीजीबीपी इनकम ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कैन ऑप्ट फॉर ऑल्ड रिजिम इन वन ईयर एंड न्यू टैक्स रिजिम इन अनदर्स एसएससी हैविंग पीजीबीपी इनकम एग्जाम्पल पढ़ो एग्जाम्पल प्रीवियस थ्री ट्वेंटी फोर में रजिस्टर्ड है ओल्ड में, में फिर ट्वेंटी में और ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन में ओल्ड में चेंज कर सकता है एस एस ई हैविंग पीजीबीपी इनकम ऑप्शन टू आउट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले वो ऑप्ट आउट कर सकता सकते। है ऑप्ट आउट का मतलब बाहर बाहर का मतलब अगर ओल्ड में है तो न्यू में जा सकता है न्यू में तो ओल्ड में। आ आ बच्चा ऑप्ट आउट का मतलब ओल्ड अरे अच्छा न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं हाँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्या है डिफ़ॉल्ट न्यू स्कीम है तो ऑप्ट आउट का मतलब ओल्ड ऑप्ट आउट का मतलब ओल्ड में।, में वापिस पढ़ो पहली लाइन वापिस पढ़ो ऑप्शन टू आउट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दीपा आपका कैमरा ऑन है सो जाओ गुड नाइट हाँ ऑप्शन टू आउट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है. है आगे ऑप्शन टू इन न्यू टैक्स रिजिम इन एनी सब्सिक्वेंट इयर्स यानी कि आप अगले सालों में किसी भी साल में वापस में न्यू में जा सकते हो आगे ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम कैन नॉट ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिज्यम एवर अगेन अगर आपने वापस से न्यू में आ गए तो आप ओल्ड में कभी भी जीवन में नहीं जा सकते परफेक्ट है यस सर परफेक्ट ओके डन है एग्जाम्पल बढ़ो मतलब एग्जाम्पल में, में ही है 25, 26, new scheme, 26, 27 में में से वापस हम old scheme में नहीं जा सकते Perfect. Perfect. है है ठीक आज के लिए बस इतना ही काफी है और ये भी हम पढ़ेंगे पीजीबीपी में ठीक है जो जो मैंने पीजीबीपी और सेट ऑफ मार्क किया है प्लीज मुझे याद दिला देना आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच आप लोग बहुत ही लवली ऑडियंस हो होमवर्क है होमवर्क क्या है होमवर्क ये है कि होमवर्क क्या है सर होमवर्क तो बताते हैं आपको ऐसे थोड़ा जाने देंगे okay. बैच अर्जुन बैच अर्जुन का आपका चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपका होमवर्क है सर कहा मिलेगा सर ये जो भी आपने बैच एनरोल किया है चाहे वो एक वाला हो या दो हजार वाला हो उसमें आपको ये होमवर्क की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है तो प्लीज अगर जिसी ने बैच एनरोल नहीं किया है व्हाट्सअप पे देख रहा है सॉरी यूट्यूब पे देख रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके बैच एनरोल कर लेना आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है होमवर्क की पीडीएफ सब फ्री है मैं सब अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूं ठीक है तो होमवर्क पहला आपका होमवर्क है अच्छा पहले वाले में आप ये मत करना क्योंकि ये आपने पढ़ाया नहीं ना तो आप ये मत करना ठीक है बस और क्या है आगे चलते हैं हाँ ये भी आपका होमवर्क है बस इसमें ये मत करना ठीक है ये नहीं करना है बाकी आपका क्वेश्चन नंबर टू भी होमवर्क है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्या ही करोगे अभी मत करो बस ठीक है क्वेश्चन नंबर नंबर और केस ये आपका होमवर्क आज का प्लस आप रिवीजन करोगे आज ये प्रॉमिस करके जाना सब लोग प्रॉमिस लिखो कि कल आने से पहले होमवर्क कंप्लीट होगा चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या लाइव कनेक्ट कर रहे हो ठीक है कल आने से पहले होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए ठीक है एंड राइटिंग में करोगे तो और भी बेटर है सर राइटिंग प्रेजेंटेशन बता दो एक बार तो राइटिंग प्रेजेंटेशन ये रहा ऑल दो हम आज डिस्कस नहीं कर पाए बट राइटिंग का प्रेजेंटेशन ये है ठीक है सबसे पहले यहां से ठीक है ये राइटिंग का प्रेजेंटेशन होता है अगर किसी को नहीं पता तो वो इस राइटिंग के प्रेजेंटेशन को कॉपी करेगा इस राइटिंग के प्रेजेंटेशन के साथ में आपको क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क करना है मिलते हैं कल इसी टाइम पे आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई लाइक जितना करवाना था उससे कम करवाया क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे ठीक है तो इंट्रो वगैरह और चीजों को समझाने में टाइम लग गया बट कल हम और भी फास्ट चलेंगे एंड आज आपको क्लास कैसी लगी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मानोगे तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो वेदर इट इज योर इनकम टैक्स वेदर इट इज योर एडवांस टैक्स वेदर इट इज योर जीएसटी एनी एनी ग्रुप एक छोटा सा मैसेज तीन से चार लाइनों का जरूर लिखना कि क्लास कैसी लगी ठीक है और मुझे टैग कर देना मेरा नंबर आपके पास है ही स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है मुझे टैग करते हुए एक छोटा सा मैसेज पर्सनल नहीं ग्रुप के ऊपर डन है ग्रुप के ऊपर एक छोटा सा मैसेज आज की क्लास के रिव्यू के बारे में मैं जरूर पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई करूंगा होमवर्क जरूर करके आना इतना ही मुझे कहना था अगर किसी के डाउट्स हैं तो सेशन ओपन है रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं जो भी कोई डाउट पूछना चाहता है पूछ सकता है